ठीक करें, ठीक है ठीक है। कौटल दो हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की मधुर स्मृति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे पूजनीय भक्ति वेदांत परमहंस महाराज जी बंगाल से जुड़े हैं, जिनसे हम गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे। पहले हम जय ध्वनि देंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर की जय। वृंदावन नवदीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। पहले महाराज जी से कुछ कीर्तन श्रवण करेंगे, इसके बाद मैं महाराज जी का संक्षिप्त परिचय दूंगा और फिर महाराज जी अपनी कथा सुनाएंगे। महाराज जी आप कीर्तन शुरू करें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तो छोए हुए भागो को हे नाथ जगाओ तो। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तो छोए हुए भागो को हे नाथ जगाओ तो। हे नाथ जगाओ तो। मेरे नाम मन बोले उसे पार लगा देना। मेरे नाम बोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। तो माला जपो तेरी मेरे दोष भुला देना। तुम्हारा जब तेरी मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके
मुझको अपना मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ के मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ, नेहनाथ भुला न मुझे इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय सुसागतम गुरुदेव करुणागतम गुरुदेव सुसागतम गुरुदेव करुणागतम गुरुदेव सुसागतम सुसागतम करुणागतम गुरुदेव सुसागतम सुसागतम करुणागतम गुरुदेव सुसागतम गुरुदेव करुणागतम गुरुदेव सुसागतम गुरुदेव करुणागतम गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा अनिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि जय ओम विष्णुपाद। बहुत सुंदर बोले महाराज, बोले बोले। नहीं सुंदर नहीं है गुरु जी, सुंदर है, सुंदर नहीं। जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर सहस्र कृष्ण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु अष्टोत्तर सहस्र श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्त बृगन केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्म माधव गोस्वामी आचार्य बिंद की जय। सर्वगोस्वामी प्रभुपाद की जय। पंचतत्व नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। गंगा देवी जमुना देवी तुलसी महाराज बिंद देवी भक्ति देवी की जय। श्यामवेत भक्त बिंद की जय। श्रोत्री मंडली की जय। पूज्य श्री अजय कृष्ण प्रभु की जय, जिनकी कृपा से हमें मौका मिला गुरु जी की महिमा कीर्तन करने के लिए। बहुत खूब महाराज जी, बहुत सुंदर। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत परमहंस महाराज जी हैं, जो बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं मठ से। और महाराज जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। महाराज जी का जन्म 1973 में हुआ, बेदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, 6 फरवरी 1973। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से करी और 1995 में महाराज जी मायापुर आ गए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। और आने के 13 साल बाद महाराज जी ने हमारे नूतन मठ में पहुंचे, जो कि हमारे पूज्यपाद हमारे गुरुशीला गुरुदेव जी का मठ है नवदीप धाम में, श्री केशव जी गौड़ीय मठ, वहाँ पे महाराज जी आए। और वहां से इन्होंने कुछ गुरुदेव की पुस्तकें प्राप्त की और कुछ
ऑडियो लेक्चर प्राप्त करे और उसके बाद उनको लेके महाराज जी वापस मायापुर धाम चले गए। फिर उनको महाराज जी पढ़ने लगे और सुनने लगे। खाली पढ़ने और सुनने से ही महाराज जी का मन में इच्छा जागृत हुई कि जिन्होंने इसको लिखा है या बोला है उनसे मैं जाके मिलूं। और गुरुदेव के प्रति बहुत ही महाराज जी के प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। 6 महीने बाद ही महाराज जी गुरुदेव के पास प्रस्तुत हुए वृंदावन धाम में और उन्होंने गुरुदेव की शरण ग्रहण करी। और तब से महाराज जी गुरुदेव के ही शरण में हैं और बड़े सुंदर तरीके से भजन कर रहे हैं, लोगों को भी भजन में लगा रहे हैं। महाराज जी मूल महाराज जी मूलतः बंगाल के हैं, बंगला भाषी हैं, तो कह रहे थे कि मुझे हिंदी थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन महाराज जी की हिंदी फिर भी काफी अच्छी है। तो हम आज पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ने कि जो जो इनकी यादें हैं गुरुदेव के प्रति, कैसे महाराज जी आए, कैसे इनका जीवन में गुरु वैष्णव के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और फिर कैसे गुरु जी ने बड़े प्यार से इनको रखा, संभाला और भक्ति में आगे बढ़ाया, इन सब चीजों पे आज हमें हमारे साथ महाराज जी शेयर करेंगे। दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मेरा परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पदाष्टाध्याय सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत गुरु दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अतवर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णु पदाष्टाध्याय सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जिनकी अप्राकृत ग्रंथों पढ़ने के उपरांत मेरा अंदर में जो भाव हुआ जिसके द्वारा मैं परिचालित होकर मायापुर धाम में आए थे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके चरणों में मैं भी आनंद की दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अतवर जो इस कार्यक्रम को आयोजन किया है पूज्य श्री अजय कृष्ण प्रभु जिनकी कृपा से हम लोग 1 साल तक हो गया ना आपका प्रोग्राम, है ना, बहुत हो गया। तो रोज एक एक वैष्णव को सन्यासी को महाराज को ला करके उन्होंने गुरुदेव की स्थिति चारण कराने के उपरांत सबको याद दिला रहे हैं क्या गुरु बिन भवन निधि तरह ना कोई जो विरिंची शंकर सम हुई, है ना। ये गुरु के कृपा के अलावा हम भक्ति जीवन एक बूंद भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु जी की कृपा ही गुरु निष्ठा ही हमारा भक्ति का बैकबोन है ना। गुरु निष्ठा, गुरु जी के प्रति तो निष्ठा वही हमारा बैकबोन ऑफ द डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए गुरु भक्ति को दृढ़ करने के लिए ये जो प्रयास है ये प्रयास बहुत धन्यवाद के पात्र है और इसका हम भी मतलब उनको प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले हम लोग मैंने वृंदावन में गया था तो प्रभु जी से मिले। प्रभु जी भी अच्छा क्वालिफाइड है, वो पायलट है, वो ऐसा नहीं है। तो गुरु जी से बहुत दिन से जुड़े हुए थे तो अभी लॉकडाउन में बहुत काम बंद है, तो सबके लिए समान है बंद है, तो उन्होंने एक प्रयास में जुड़ गई। तो गुरु जी एक्चुअली फिजिकल रूप में नहीं है लेकिन जो गुरु जी की सेवा निष्ठा रूप में करते हैं तो गुरु जी उनके हृदय में रह करके उनकी प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं तो मैं ऐसा करो ऐसा करो और वहाँ पे ही क्या होता है गुरु जी की कृपा मिल जाता है। फिजिकल रूप में गुरु जी चिरदिन हमारे साथ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो गुरु जी बताते थे इलेक्शन में जो व्यास पूजा के समय में 2008 में जब उन्होंने विदेश में गए थे तो वहाँ पे व्यास पूजा चल रही थी, तो उन्होंने बताया जो हम मेरा सामने आकर के पुष्पांजलि दे दिया और मेरे सामने आकर बैठ गया, ये गुरु सेवा नहीं होती है, व्यास पूजा नहीं होता है। व्यास पूजा असली व्यास पूजा क्या होती है, जब गुरु जी की इच्छा पूरी करने के लिए शिष्य सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं वही है असली गुरु पूजा, असली व्यास पूजा। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया था श्री चैतन्य मनोभीष्ट को पूरी करने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने पूरी तरह से महाप्रभु के चरण में खुद को अर्पित कर दिया था। तो जो भी हो तो ये प्रयास बहुत सराहनीय है, वो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, एक एक ब्रह्मचारी से आकर के गुरु जी के बारे में बताते हैं, इसी प्रकार हाँ गुरु जी की महिमा सारा विश्व में फैल रहा है। और एक दूसरी बात है तो हमारा गुरु जी का ये शतवर्ष वार्षिकी चल रहा है, मतलब 100वां जन्म शतवर्षिकी चल रहा है, तो इसी वजह से भी
हम लोग इस प्रोग्राम कार्यक्रम ग्रहण किया है, तो सारा विश्व में ऐसे कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रभु जी का प्रयास भी है, तो हमें भी अच्छा लगा और इस अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं मेरा मूल जो विषय है उसमें मैं आ रहा हूँ। तो गुरु जी का ग्रंथ कुछ ग्रंथ और लेक्चर सुन करके मैंने 6 महीने के बाद मैंने वृंदावन आ गया। तो वृंदावन तो पहले बार आया था। तो महाराज जी कौन सा ग्रंथ था जो सबसे पहले आपको मिला गुरु जी का? गुरु जी का जो ग्रंथ मिला था, एक तो मुझे सबसे बढ़िया अच्छा लगा जो अंग्रेजी में जो रथ यात्रा का जो किताब है ना, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ओके, तो वहाँ पे बहुत गहरी बात है। हाँ, वो गहरी बात है क्योंकि महाप्रभु का मूड, जगन्नाथ जी का मूड और रथ यात्रा का मूड, मतलब महाप्रभु आने से पहले एक प्रकार का था, महाप्रभु आने के बाद क्या हुआ, पूरा जगन्नाथ की महात्मा चेंज हो गया। जी हाँ। और गुरु जी आकर के उनको ग्रंथ में उसका रूप दिया। महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ के रथ जी के सामने, रथ के सामने, तो उनका भाव क्या था, और रथ पे, रथ में जो बैठे है जगन्नाथ जी, वो असली कौन है, और महाप्रभु किसको कहाँ लेके जाना है, ये विचार बाहर में तो एक दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंदर में जो इंटरनल जो मीनिंग है, वो महाप्रभु को, महाप्रभु नहीं है, वो कौन है, वो राधा जी है, उनके पास में जो है महाप्रभु जो पाषण भी है उनका सुखिया है, रथ में बैठा है कौन है, जगन्नाथ नहीं है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, कहाँ जा रहा है, वृंदावन में जा रहा है। तो मतलब क्या, बहुत दिनों के बाद वृंदावन जा रहे हैं रथ में बैठ कर, यहाँ पे भी बहुत तात्पर्य, सारी तात्पर्य है, लेकिन वो रथ यात्रा के महात्म जो हिस्ट्री उन्होंने बताया, पहला हिस्ट्री इंद्रदुम्न के बारे में, रथ यात्रा के बारे में, और गुंडीचा मुंडी महाजन के बारे में गुरु जी तो सिद्धांत दिया, इतना मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने तो आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पे इतना गहरी अर्थ है, हमें तो पता नहीं था। इसके बाद भक्ति रसामृत सारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और जो भक्ति और दूसरे ग्रंथ था, तो लेक्चर भी सुना था, तो उस समय थोड़ा मेरे को ये हृदय में भावना आया, मैंने जब तो गीता ग्रंथ पढ़ा था प्रभुपाद जी का, भागवत भी पढ़ा, लेकिन ये भागवत के अंदर में जो चीज है, जो गुरु जी ने रास पंचोदय में दिया गया, जो गहरी बात है, जो विरह विप्लम भाव है, और मिलन के अंदर में विरह है, वो विरह विरह के अंदर में भी जो मिलन है, ये जो चैतन्य चरितामृत में जो मध्यलीला पहला चैप्टर में जो है, वो गुरु जी इतना सुंदर रूप में वर्णना किया। और हमारा जो गोल है, हम कृष्ण कंसियसनेस के लिए आए थे, लेकिन गुरु जी बताया ये मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मेरा एक गोल मेरा तय हो गया। मेरा गोल क्या है, कैसे मैं राधा जी का दासम, दासी मैं बन सकूं, ये हमारा लक्ष्य है, वही मैं प्रचार कर रहा हूँ, गुरु जी लेक्चर में बताया है ना। तो इस लेक्चर में मैं बात में आऊंगा। तो ये सुनकर के मेरा मन में एक युवा हुआ कि मैं इधर जाकर के क्या करूँ, अभी गुरु जी जहाँ पे है, जो उत्स है ये वृंदावन ब्रजरस का जो उत्स है, यहाँ पे गोवर्धन है, वहाँ पे एक बार जाओ, वहाँ पे क्या होता है देख लेता हूँ। तो वहाँ पे सब चला गया, जो मैं तो जानकारी नहीं थी, तो राधा रमन जी का जो मंदिर है उनके सामने मैं चल रहा था, तो वहाँ पे हमारे वृंदावन जो प्रभु है राधा रमन प्रभु, उनसे भेंट हो गया। नाश्चर्य चुके थे, उनको मैं पूछा था, तो ये गुरु जी का नाम है, एड्रेस क्या है, वो कहाँ अभी रह रहे हैं, तो मतलब तो रूप सनातन मठ में गुरु जी जाते थे, अभी तो गोवर्धन में चले गए, वहाँ पे परिक्रमा चल रही है। ये तो कौन से साल की बात है महाराज जी, कौन से साल में? ये 2007 या तो आखिरी समय, मतलब 2-3 दिन बाकी था परिक्रमा खत्म होने के। आपका संन्यास कब हुआ महाराज जी? मेरा संन्यास तो एक संन्यास हुआ जब गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, दिल्ली में थे, तो मैंने उस समय मथुरा में था, तो मथुरा में था, तो तीर्थ मंच के मैंने बताया गुरु जी का, मैंने उस समय 2010 था शायद, हाँ, तो दिल्ली में अस्वस्थ लीला अस्वस्थ कर रहे थे, मैंने सोचा इससे पहले सिद्धांत महाराज सीधा मंच भी संन्यास ले लिया, तो उन्होंने बहुत पुराने शिष्य है गुरु जी का, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, तो मैंने एक भाषा मेरे को ये आया था जो गुरु जी का अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, क्या कितना दिन रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा वो तो थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए सीधे मारे 2003 से पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों भी हो सकता है, तो मैंने दिल्ली में गया, तो माधु महाराज तो घुसने नहीं दिया गुरु जी से, गुरु जी तो अपने भजन में लेते हुए थे, तो मैंने तीर्थ महाराज को बताया था मेरी तो इच्छा है तो संन्यास लेने की, आप क्या बताएं। तो हाँ,
गुरु जी तो जैसी स्थिति है अभी तो क्या होगा पता नहीं, ले सकते हैं, लेकिन पहले गुरु जी से बात कर लो। तो शायद माधव महाराज को बताया था, तीतु महाराज ने तीतु महाराज जाकर के बताया था, तो मैंने अंधो में गया प्रणाम किया तो ये सन्यास लेगा। ठीक है, मैं नवद्वीप में जब आऊंगा मैं सन्यास दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है तो नवद्वीप में तो परिक्रमा से पहले आ गई, लेकिन उनका तो फिजिकल बॉडी में नहीं थे, है ना, उनका शरीर आए लेकिन वो नहीं था। अब मैं क्या करूँ, तो मैंने तीतु महाराज माधव महाराज बताया, तो गुरु जी तो इच्छा थी सन्यास देने के लिए, आप क्या करें। तो उन्होंने दोनों ही मंत्र लिखा गुरु जी का शरीर स्पर्श करके, उस समय जब गुरु जी भजन कुटीर में थे, इसके बाद उनको मंदिर में लेके आए दूसरा दिन, हाँ मंदिर में नाट मंदिर वहाँ पे जो वैशेषण था जहाँ पे प्रवचन करते थे, वहाँ पे उनका लेटा दुआ मतलब उनके सोला दिया था, तब भक्त लोग सब दर्शन कर रहे थे, तब उस समय शरीर स्पर्श करके मंत्र दिया था। दोनों माधव महाराज की मंत्र सुनाया और श्री रथ महाराज मंत्र सुनाया, वही उसी समय से हो गया। बाद में बोध पूर्णिमा जब योग्य हुआ तब नरसिंह महाराज भी आ गए, नरसिंह मुझसे पहले आए थे मथुरा मठ में बहुत साल पहले, तो नरसिंह महाराज जब मैं ले लिया तो नरसिंह महाराज क्या करे, दोनों वो एक विदेशी भक्त था, वो ऑस्ट्रेलियन का भक्त ऐसा, उनका नाम परमात्मा मर क्या नाम तो मैंने भूल गया, वो भी ले लिया था, तीनों लिया एक साथ। अच्छा, तो यही हुआ सन्यास का। एक तरीका से गुरु जी की आज्ञा हो गया था, उनका अनुमोदन था और उन्होंने भी मंत्र दे दिया गुरु जी का शरीर स्पर्श करके, इसी प्रकार हो गया था। तो ठीक है, जैसे भी गुरु जी की कृपा हो गई और मैं भी गुरु जी के चरण में आ गया। तीन साल गुरु जी के सान्निध्य में था, पूरा सान्निध्य में था नहीं। तो अभी आइए, जब मैं राधा रमन जी से बात की तो उनसे एड्रेस्ट लेकर के मैं गोवर्धन में चला गया, तो परिक्रमा चल रही थी उस समय, बहुत सारे भक्त लोग थे, तो माधव महाराज से पहले मिला। इसके बाद मैंने गुरु जी के पास गया, दूसरा दिन शायद गया था, तो बोले ये आए हैं मायापुर से, तो राधा रमन जी ने उसको भेजा, तो मुझे बोला अच्छा है। तो गुरु जी ने पहले एक बात कही, बोले देखो भोजन और भजन दोनों एक साथ में चलता है, लेकिन जो भोजन जैसे तैसे मिल जाएगा, एक पक्षी जो बंदर है, पेड़ पौधे हाथी, उनका भी भोजन मिल जाएगा, लेकिन ये भजन नहीं कर पाता है, इसीलिए तुम्हारा पहले ध्यान दो भजन में। हाँ, भोजन जैसे जैसे मिल जाएगा, लेकिन भजन में मन लगा, कैसे तुम भजन अच्छी तरह से कर सकोगे, ये तुम पहले ध्यान दो। पहले ये गुरु जी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन मेरे को दिया था। तो बाद में जब हिंदी किताब, जब गज रस धारा, तो हिंदी कीर्तन था, तो हिंदी कीर्तन में एक कीर्तन मेरे को याद आया, और गुरु जी के बाद उस समय बार बार ध्यान रहा, उस बाद मेरे को याद हो रहा था भजन के बारे में। तो मीराबाई को पहले जो पूछा था, मीराबाई को कुछ ब्रजवासी, तुम तो सारा भारत भ्रमण कर लिया, तो अच्छा स्थान कौन सा है, मीराबाई ने बताया वृंदावन मेरे लिए अच्छा है। तो उन्होंने उस समय कीर्तन गाया था, वो कीर्तन क्या है, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, सोखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। आखिरी पद है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। तो मेरे जब ये कीर्तन में जो गा रहा था, तो गुरु जी के बाद मेरे को याद आ गया। तो बाद में भी मैं सुना, यहाँ पे अभी गिरि गोवर्धन मठ है, वहां पे भी गुरु जी बहुत साल तक रह करके कुटिया बना करके भजन किया करते थे। और इससे पहले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, वहां पे उन्होंने टेंट बना करके कुछ दिन के रहा करते थे, उसी स्थान में जहाँ पे आप गिरिधारी गोरी मठ
है। तो इसलिए मैंने भी उस समय ठान लिया था कि भजन के अलावा हमारे जीवन में कुछ है नहीं, है ना। खाना पीना तो ये पशु भी करते रहते हैं, वो इंसान भी करते हैं, दोनों का फर्क क्या है? वो फर्क भजन में ही होता है और दूसरे चीज में है नहीं। इसलिए वो गुरु जी भी भजन करते थे, मैंने देखा जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं ना, मंगलवार से पहले वो शोलमाला कर लेते हैं, है ना, सारा दिन सेवा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन भजन या शंखा पूर्व नाम सब अच्छे से बड़े बड़े महाराज आचार्य ने कर लेते हैं। इसलिए गुरु जी वही बात को मेरे को बहुत पहले अच्छा लगा था। बाद में तो मैंने तो देखा कितनी सुंदर अच्छा हरी कथा बोल सुनना मेरे को मौका मिला था। तो अब देखिए ये तो परिक्रमा, हाँ तो घंटा बजाना मत, ठीक है, हाँ परिक्रमा चल रही थी उस समय, तो इतने सारे विदेशी भक्तों को मैंने देखा। परिक्रमा खत्म होने के बाद गुरुजी चले गए विदेश में, तो मैंने भी मथुरा में आ गया। तो जब नवद्वीप में फिर गुरुजी से मिले थे 2008 में, तो उस समय ब्रजनाथ प्रभु से मेरे साथ अच्छा संबंध हो गया। ब्रजनाथ प्रभु और वृंदादी ये दोनों और माधव महाराज, ये तीनों गुरु जी के साथ रहते थे, और जहाँ पे गुरु जी विदेश में प्रसार के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी इन तीनों जाते थे। मैंने क्या करता था, तो ब्रजनाथ प्रभु से मिल करके मैंने उनको पूछा जाता था जो गुरु जी कहाँ कहाँ जाते थे, तो नाम बताओ, वो तो नाम मैं नोट्स करता था, तो ये टॉपिक क्या बोलते थे, वो टॉपिक भी लिख लेता था थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को अच्छा लगा कि 2008 और 2010 में, तो मैंने तो इससे पहले आया नहीं और इनको बारे में पूछा भी नहीं। वो तीन साल में गुरु जी कहाँ कहाँ जाया करते थे, कहाँ प्रोग्राम करते थे, कितना दिन रुकते थे और कौन सा टॉपिक बोलते थे, मैंने नोट्स किया था। तो इसको मैं थोड़ा दोहराने का प्रयास कर संक्षिप्त रूप में। जैसे 2008 में उन्होंने पहले न्यूजीलैंड गया, फिजी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए, लेकिन जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम होने वाला था वहाँ पे दूसरे दिन इतना धमाधम बारिश हुई, तो गुरु जी का प्रोग्राम वहाँ पे मैंने पैंडल जो बनाया था सब नष्ट हो गया। फिर तीसरा दिन एक मतलब इंडोर प्लेस लोकेशन में गुरु जी का प्रोग्राम सेट किया, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे भक्त नहीं आ पाया, फिर भी गुरु जी का प्रोग्राम चलता रहा। तो वहाँ पे उनका जो टॉपिक था, तो 11 स्कंद से उन्होंने भागवत से उन्होंने प्रवचन दिया था। तो इसके बाद उनका फेब्रुअरी महीने में उनका व्यास पूजा हुई, तो व्यास पूजा के समय गुरु जी पहले तो अपने गुरु जी की पूजा की, इसके बाद हम लोगों ने जो जितने भक्त थे वहाँ पे सब गुरु जी की पूजा की व्यास पूजा में। तो गुरु जी उस समय लेक्चर तो हरी कथा बोले थे, उस समय कुछ बात हमारा पूजी प्रभु जी ने बताया था कि जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यदा कृतिदंडे प्रकाशन्ते महात्मा। जैसे भगवान के प्रति हमारा भक्ति हो है, इसी प्रकार गुरु जी के प्रति भी हमारा इसी प्रकार भक्ति हो जाए, तो ये तत्व ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और उन्होंने उस समय बताया था जे असल पुष्पांजलि, जो एक्चुअल जो पुष्पांजलि होता है, कौन शिष्य कितने प्रकार से गुरु जी का आज्ञा पालन करते हैं और गुरु जी की सेवा करते हैं। सामने आने में सेवा नहीं होता है, गुरु जी की एब्सेंस में जो गुरु जी का आज्ञा पालन करते हैं वही असली गुरु पूजा हो जाते हैं। जैसे महाप्रभु की आज्ञा रूप गोस्वामी ने पालन किया था, है ना, पालन किया था, उन्होंने श्री महाप्रभु की मनोभीष्ट पूर्ण किया, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदमयम तदाति सपदान। इसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पद ने महाप्रभु के अंतर्धान के बाद उन्होंने हमारा जो आचार्य वही आचार्य बन गए और हम रूपानुगत धारा में अभी आ गए। तो गुरु जी भी रूपानुगत धारा में है, ये पहला नंबर, क्योंकि ये रूपानुगत को उन्होंने पहले समझ गया और उनको उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, गुरुत्व दिया, क्योंकि उनसे गुरु जी से पहले कोई रूप गोस्वामी पाद के बारे में ज्यादा नहीं बताते थे। ये स्वामी महाराज ने उनका जो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन था वहाँ पे उन्हें रूप गोस्वामी पाद के बारे में थोड़ा वो बताया था, लेकिन रूपानुगत तो क्या चीज है ये किसने नहीं बताया। इसलिए गुरुपाद पद मैंने रूप गोस्वामी पाद रूप सनातन गौड़ीय मठ स्थापना किया, और वहाँ पे हर साल ये रूप गोस्वामी पाद के विरह तिथि में 3 दिन के लिए झूलन जाते उपलक्ष्य में बड़े बड़े पंडित विद्वान को लेकर के
रूप गोस्वामी पाद की विरोध दिन मनाया था। तो मेरा सौभाग्य हुआ था 3 साल के लिए मैंने गुरु जी के श्रीमुख से रूप गोस्वामी पाद की महिमा श्रवण करने के लिए। और वहाँ पे गुरु जी बीच में बैठते थे, बैठे बड़े बड़े पंडित लोग आकर के उनके दो तरफ से बैठते थे और एक एक टॉपिक एक एक पंडित चर्चा करते थे, हमारे महाराज जी भी चर्चा करते थे। लेकिन कहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, कोई एक सिद्धांत गलत कर दिया क्या भूल बोल दिया तो गुरु जी ने हाथ जा पकड़ लेते थे। ये आश्चर्य की बात है, ये महाप्रभु जैसे वो केशव कश्मीरी पंडित जी से बात हो रहा था गंगा के तट पर, तो केशव कश्मीरी 700 लाइन का श्लोक बता दिया गंगा की महिमा, साथ ही साथ उन्होंने रचना कर दिया और महाप्रभु ने वहां से एक श्लोक ले लिया, बोले यहाँ पे क्या गलती है क्या गुण है बता। पंडित आश्चर्यचकित हो गया, हमारे गुरुदेव ने ऐसा है राधाष्टमी के समय भी और उनसे पहले भी जब बड़े बड़े पंडित आकर के मोती समय सभा होती थी उस समय भी ऐसा होता, बड़े बड़े संस्कृत में पंडित बड़े बड़े पंडित बहुत शास्त्रज्ञ थे लेकिन उनका पांडित्य था और गुरु जी का पांडित्य के साथ भक्ति थी। जब तक ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं आएगा, उपलब्धि नहीं होगा। जब पंडित बन जाता है तो ज्ञान के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन भक्ति जो चीज है भक्ति के अंदर में ज्ञान भी है और भक्ति भी है, तो गुरु जी के अंदर में दोनों ही था, है ना। और उन्होंने निष्कपट रूप से सेवा की, इसलिए जो पंडित जो भी कुछ बोले उनको याद रह जाता। और क्या होता, कोई एक सिद्धांत गलत बोल दिया, क्योंकि ब्रज में क्या होता है ये संस्कृत में चर्चा होती थी, कोई 4 वेद मतलब 4 वेदों में पांडित्य रहा था, कोई 3 वेदी 3 वेदों में पांडित्य, गुरु जी का ऐसा ये नहीं था। 1954 साल में उन्होंने नवद्वीप से मथुरा मठ में आए, उन समय से मथुरा मठ की उनकी जिम्मेदारी संभाल, तो और उस समय से उन्होंने हिंदी किताब पब्लिश करने लगे, प्रचार करने लगे और उस समय से हमारे गौड़ीय धारा सारे विश्व में प्रचार होने लगा। जब 1996 से गुरुदेव भारत जाने लगे प्रचार करने के लिए, तब उस समय तो ये क्या है, तो रूप गोस्वामी पाद के बारे में गुरु जी पहले इम्पोर्टेंस दिया था, अभी भी चल रहा है, 30 से 35 साल हो गया, इसी समान रूप से रूप गोस्वामी की महिमा हम कीर्तन करते करते थक जाते थे, फिर कीर्तन उनकी महिमा खत्म नहीं होता है। ये गुरु जी का सबसे बढ़िया दान है, बढ़िया चीज है, अशेष दान उन्होंने दे करके गए, कभी ये महिमा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसी प्रकार भक्त की महिमा भी अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। रूप गोस्वामी पाद जो चीज देखे गया वो तो ग्रंथ में था, लेकिन गुरुदेव ने पहले खोल दिया, खोल करके सारा विश्व में उन्होंने उन्मुक्त रूप से प्रचार किया। ये गुरु जी का महत् दान है। इसलिए जो विदेश में गए थे, मैंने बाल के जो प्रचार जो गुरु जी का ग्रंथ में पढ़ता था, वॉकिंग में जाते थे, कई सारे ग्रंथ है प्रचार के बारे में, तो मैं पढ़ता था, मैं देखता था जहाँ पे गुरु जी जाते थे तो थोड़ा कम बहुत भक्त नहीं आते, एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए 800-900 हजार भक्त आ जाते थे। ये आश्चर्य की बात है, जब हरि कथा बोलते थे 400-1000-2000 सब भक्त लोग आ जाते, कैसे अटेंड करते क्या करते पता नहीं था, क्योंकि गुरु जी का लेक्चर था जो हरि कथा थी, ये साधारण लेक्चर नहीं था, ये वैकुंठ की वार्ता है, ये गोलोक वृंदावन की वार्ता है, वो राधा जी की वार्ता है, राधा कृष्ण के अप्रकृत प्रेम की वार्ता है, जो प्रेम इस जगत में कभी नहीं हो पाता, लेकिन हुआ तो वृंदावन में हुआ, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ, ग्रंथ में था प्रचार नहीं हुआ। तो गुरु जी ने पहले बार अपने अपने हृदय से मतलब अपने गुरुदेव की कृपा से और उनकी आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने इस अप्रकृत संपद को उन्होंने सारा विश्व में फैल दिया। एक ये है रूप गोस्वामी विरोध तिथि और उनके जो सारा विश्व में प्रचार, तो प्रचार में क्या है, तो प्रचार करने के जाते थे तब एक एक प्रकार के भक्त एक एक प्रश्न करते थे, तो गुरु जी अच्छी तरह से उत्तर देते, उनमें कोई विभाजन भेदभाव नहीं था और हर व्यक्ति को उन्होंने गुरु जी ने सम्मान करते थे और आदर भी करते थे और उनके बुलाते थे, बेटा इधर आ जाओ, बेटी इधर आ जाओ, तुम बड़ी कथा बोलो, तुम ऐसा बोलो ऐसा करो, इतना बात्सल्य उनका अंदर में था। हम ये महिमा हम बाद में बताएंगे। तो अब देखो तब गुरु जी तो ऑस्ट्रेलिया से जो व्यासपीठ खत्म हो गई, तो उन्होंने अंत में जब लेक्चर के खत्म होने के समय
अंत में उन्होंने एक बात बताई थी। तो देखो मैंने तो गुरु जी की आज्ञा मैंने पालन अभी भी कर रहा हूँ। गुरु जी से मुख से श्री मुख से जो सुना है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ था। वो क्या है, ये बुद्धिस्ट का देश है, वो नास्तिक देश है, वहाँ पे भक्ति की चर्चा नहीं होती। लेकिन ये गुरु जी का बदान्यता है, गुरु जी इतना हम्बल है ना, वो आप समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन जब होली कथा बोलते थे ओ उनके आसपास कोई नहीं जाएगा, धाज पास कोई आ नहीं पाएगा, कितना पूंजी ज्ञान सब द्विवेदी चतुर्वेदी है, लेकिन गुरु जी का भक्ति के आगे सिद्धांत तो आगे वो सामने आ नहीं पाता था। गुरु जी के सामने आकर नतमस्तक को प्रणाम करके वो पास में बैठने के लिए आज्ञा चाहते। तो अब देखो उस समय गुरु जी बताते थे, मेरी एक शिक्षा मैंने लिया जो सार है, एसेंस ऑफ ऑल द टीचिंग, वो क्या है, हमारा जो गोल है, गोल क्या है, राधा दासम को प्राप्त करना है ना। भक्ति में ठाकुर भी बताया, राधिका दासी यदि हय अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल, राधा पद राधा पक्ष छाड़ी ये जन से जन जेभावे सेभावे डाके, আমি তো রাধিকা পক্ষপাতি সদা কবু নাই হেরি থাকে। হ্যাঁ ভক্তিম ঠাকুরের গান মেবি হয় রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য, রাধা মাধব শুদ্ধ প্রেম বিচার্য। হ্যাঁ রাধা পদ ছাড়ি রাধিকা উজ্জ্বল রস, ঠিক হ্যাঁ তো রাধারে এই উজ্জ্বল রস কা আচার্য হয় তো কৃষ্ণ কোন হ্যাঁ, কৃষ্ণ তো বিষয় বিগ্রহ হ্যাঁ, লেকিন বিষয় বিগ্রহ হোনে পর ভি हम जब तक राधा जी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो कृष्ण के पास हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्ति के द्वारा राधा जी कृष्ण का संपूर्ण रूप में अपने कब्जे में वशीभूत कर लिया, बिना प्रेम से नहीं जीते नंदलाला। राधा जी अपने प्रेम के द्वारा भक्ति रूप रज्जु के द्वारा उन्होंने चिरकाल के लिए अपने वश में कर लिया। इसीलिए हमारे जो गौरी धारा है, गौरी धारा मतलब क्या है, महाप्रभु की धारा में, और क्या है, राधा जी का अनुगत्य में, वो गौरी धारा है, ठीक है ना। तो अब देखिए तो माधव महाराज एक ग्रंथ लिखा था, वहां पे गुरु जी का जो जन्मस्थान है वो जन्मस्थान की महिमा उन्होंने बताया था। तो गुरु जी अपने दीनता के कारण उन्होंने बताते थे मेरा जन्म पांडव बोर्जी देश में हुआ, लेकिन ये उनका बदान्यता है। असली रूप में गुरु जी का जो जन्म स्थान है तिवारीपुर ग्राम है, ये शिष्य के लिए तो धाम है। जैसे महाप्रभु का गुरु जी कौन है, ईश्वर कृपा, उनका जन्म स्थान कौन था, चैतन्य हालीश्वर के पास बंगाल में। तो उन्होंने अभी वो क्या है, अच्छा तीर्थ बन गया जिनका नाम चैतन्य डोबा नाम हुआ। इसी प्रकार शिष्य के लिए गुरुदेव का जन्म स्थान है, ये धाम से भी कोई अधिक गुना महत्वपूर्ण है शिष्य के लिए, तो इसीलिए यह हमारा धाम सदृश है। फिर भी और एक बहुत एंगल से ये गुरु जी का जो जन्म स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, ये गंगा के तट पर है, कुछ दिनों के बाद गंगा नदी बह रही, तो रोज पिताजी के साथ हमारे गुरु जी ने स्नान करने के लिए जाते, गंगा की पवित्र हवा में गुरु जी ने उनका शैशव उन्हें बिताया था। इसके बाद वहाँ इनके आपास ही जो विश्वामित्र मुनि थे उनका तपस्या स्थली थी, जहाँ पे राम और लक्ष्मण आकर के तारों का और स्वभाव का बात करके मानस को उन्होंने भागा दिया था। वहाँ पे उसी स्थान में उसके पास में ही ये विश्वामित्र का तपस्या स्थली थी। कुछ दूर के बाद अहल्ला जी का भी स्थान है, देखिए अहल्ला स्थली कहा जाता है, यहाँ पे गौतम मुनि की जो पत्नी थी उनके पति के अभिशाप के कारण पत्थर बन करके थे, जो उस जहाँ पे राम जी जा करके उन्होंने नया जीवन उन्हें प्रदान किया। वो नारदौली जहाँ पे नारद जी का तपस्या स्थली वो पास में ही था, तो दूर है, अभी जाकर के हम दर्शन कर सकते हैं, मेरी मेरा दुर्भाग्य जा नहीं पाया, लेकिन कोई सारे भक्त भी जाकर के दर्शन किया, और हमारे वहाँ पे भी एक मठ बनाया मधुसूदन महाराज जी ने तिवारीपुर में, तो मेरा मैंने सौभाग्य नहीं हुआ वहाँ पे जाकर के दर्शन करने के लिए, मेरी लेकिन इच्छा है इस गुरु जी का जन्म स्थान जाकर के दर्शन करने की। तो इसलिए गुरु जी का जन्म स्थान वाच्य स्थान है, और बाद में भी वो भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के छद्मवेश में गया था, जिसको हम बिहार कहते हैं ना, पहले उसका नाम था ये जरासंध का स्थान था, जरासंध का जो स्थान था अजोध्या,
वहां पे जाकर के कृष्ण भीम और अर्जुन जरासंध को वहां पे वध किया था, ठीक है ना। इसलिए भगवान गुरु जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दिख से, और गुरु जी का जन्म स्थान इसी एंगल से भी ये स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो गुरु जी व्यास पूजा के बाद उन्होंने कहाँ आए, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आए। नवद्वीप परिक्रमा के ऊपर उन्होंने कहाँ गए, सिलीगुड़ी गए। तो वहां पे क्या हुआ, सिलीगुड़ी गए वहां पे एक नया मंदिर उद्घाटन हुआ था। तो मैंने वहां पे 6 महीना सेवा किया था गुरु जी के आने के बाद, तो 6 महीना था, फिर बाद में उधर आ गया था। तो सिलीगुड़ी के बाद उन्होंने कहाँ गए, हांगकांग गए। वहाँ पे 7 दिन के लिए था, हांगकांग में टोरंटो और टोरंटो के बाद में वैंकूवर, इसके बाद उन्हें ह्यूस्टन गया। ह्यूस्टन में 7 दिन उन्होंने पे कथा की थी। वह बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे ह्यूस्टन से भी भक्त लोग परिक्रमा में आते हैं, दो परिक्रमा में आते जाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या हुआ, तो प्रदमंडल परिक्रमा में भाग लिया। भाग लेने के उपरांत उन्होंने फिलीपींस गया, मलेशिया गया। मलेशिया में इस बार उन्होंने 12 दिन था। मेरा भी 2 बार सौभाग्य हुआ मलेशिया में जाने के लिए। और गुरु जी का जो पुष्प समाधि मंदिर है वहाँ पे भक्त लोग बनाया वहाँ पे, ये अच्छा मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे एक केला का पेड़ है, एक पपीते का पेड़ है। वो पपीते के वैशिष्ट्य क्या है ना, वो लंबा है, वो छात जब पक जाता है सफेद कलर का, हाँ इतना मिठास है तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो बाहर में वो जैक फ्रूट कांठाल का पेड़ है, 2-3 पेड़ है। वो कांठाल का पेड़ में इतने सारे छोटा छोटा कांठाल होता है, वो कल्पना नहीं कर सकते, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। हाँ मैंने कांठाल भी खाया, पपीता भी खाया, और एक शायद मालूम है बोल रहे थे मैंने लगाया था, ये पता नहीं जो भी हो। गुरु जी वहाँ पे 12 दिन रुके थे, और वहाँ पे हमारे जो विजय प्रभु है वहाँ पे गुरु जी का शिष्य है, तो वो मठ देखभाल करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि गुरु जी जब आए थे तो बहुत सारे विदेशी भक्तों कम से 500 से ज्यादा आकर के चारों ओर से कमरा ले लिया, रेंट ले लिया, और गुरु जी जहाँ पे जाते थे उनके साथ जाकर के होली का दर्शन। ये कहाँ है हमारे, मलेशिया में? हाँ हाँ मलेशिया में। कौन सा सिटी में? वो जो मलेशिया जो कुआलालंपुर छोड़कर के पास में है, तो मैंने उसे नाम भूल गया। अच्छा, तो विदेशी नाम है ना, लेकिन स्थान मुझे इतना अच्छा है, इतना साफ सुथरा परिष्कार, मेन रोड के पास, हाँ कोई एक बूंद भी, आप कोई एक पत्ता भी गिरे ना तो रास्ते में नहीं दिखाई देता, इतना साफ सुथरा है। पहले बार गया था, अच्छा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन पिछले साल जब गया था लॉकडाउन में 3.5 महीना एक साथ में रुकना पड़ा, तो फिर भी ऑनलाइन में क्लास किया क्या। और गुरु इतना ठंडा, मतलब ये ना धूप है लेकिन इतना बारिश होती है वो ठंडा हो जाता है, वो वातावरण मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने भगवत धाम की तरह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि निर्जन है वो वातावरण में, अच्छा पेड़ पौधे से भरा हुआ है ना, ज्यादा ये नहीं होता आता था, मुझे अच्छा लगता था। और भजन के लिए वो अच्छी जगह है, मुझे अच्छा लगता है, जब वहाँ पे जाता था मैं 2 साल गया था 2 बार, बहुत अच्छा है। फिर दूसरे सीट में गया था, लेकिन ये पालनपुर जो हमारे गुरु जी का मठ है इससे अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ये बढ़िया स्थान है। तो इसके बाद उन्होंने कहाँ आए, तो मलेशिया के बाद उन्होंने बंगाल आए थे। तो सीमंतपुर हमारे बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पे 3 दिन उन्होंने नामोत्सव प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे मैंने सुना 2000 से ज्यादा भक्त अटेंड किया, और आखिरी दिन में 100 से ज्यादा भक्त उन्होंने दीक्षा मंत्र प्रदान किया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा, फिर विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद विदेश ह्यूस्टन गया था, शायद पेरिस और इटली होकर के जब वापस आए तब चतुर्मास व्रत चल रहा था, और उन्होंने जन्माष्टमी व्रत मथुरा में मनाते थे, राधाष्टमी व्रत भी मथुरा में मनाते, और इसके बीच में उन्होंने इस बार उन्होंने कहा गया था, वो 1996 से उन्होंने प्रचार में गया, लेकिन सीता देवी के तो जन्म स्थान है, क्योंकि ये राम जी की जो कथा है प्रभु जी, मैंने बचपन से गुरु जी का जो परिवार है वो रामानंद संप्रदाय, तो वहाँ पे राम कथा बचपन से उन्हें सुनते सुनते राम कथा के प्रति उनका अनुराग आ गया। एक बार सपने में उन्हें राम लक्ष्मण सीता को देखा था, उन्होंने अपने कमरे में अकेले सोए थे, तो मतलब रात गभी हो गया था, मतलब सुबह मतलब 2-3, 2-2.5 बजे उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के साथ
उनके पास आए हैं, तो आए हैं तो उन्होंने क्या क्या करें, उन्होंने सपने टूट गए, नहीं टूट गए नहीं, उन्होंने उस सपने में ही हाथ बढ़ाया राम जी को प्रणाम करने के लिए। जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया अचानक राम कृष्ण अदृश्य हो गई, तो उनकी नींद टूट गई। तो टूट गई तब उन्होंने देखा भगवान प्रभु जी तो नहीं है, सीता माता भी नहीं है, राम भी नहीं है, हनुमान जी बजरंग बली कहाँ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बजरंग बली की ज्यादा महिमा चलती है, बहुत सारे मठ है मंदिर है जिनकी भी पूजा होती है, अयोध्या तो उनके पास ही है ना। अभी राम मंदिर चल रहा है तो गुरु जी जब राम कथा बोलते थे ना आंखों से आंसू की झड़ी आ जाता, क्योंकि सबरी माता का उपाख्यान आप बोलो, केवट का उपाख्यान जब, और भरत की जो चरित्र है कोई की माता की भी चरित्र, ऐसा कुछ यह है। और राम जी का जो राम जी भगवान राम जी सीता देवी के विसर्जन के बाद राम जी कैसे जीवन बिताते, एक सन्यास की तरह जीवन बिताते थे, तो ये जब कहानी गुरु जी बोलते थे ना आंखों से आंसू आ जाता था। मेरे को भी राम कथा भी अच्छा लगता है, क्योंकि राम कथा में इतना गहरी शिक्षा है। हाँ, कृष्ण लीला तो राधा कृष्ण ने प्रेम लीला किया है ना, वो एक बात है, लेकिन जो विरह में जो भगवान का जो अनुभव ज्यादा होता है ये राम कथा में है। हाँ, राम कथा में है। और गुरु जी ने पहले से ही राम जी के प्रति अनुरक्त था, लेकिन बाद में जब नरोत्तम दास ब्रह्मचारी हमारा प्रभुपाद जी के शिष्य है आकर के उनसे मिले, तब उन्होंने किसके उन्होंने धीरे धीरे भागवत के प्रति आकृष्ट हो गया, उनका अट्रैक्शन बढ़ गया। तो एक बात में हुआ, तो अब आइए तो सीता देवी के जन्म स्थान जन्माष्टमी के बाद उन्होंने सीता देवी के जन्म स्थान में गया था, और जनकपुरी जो है उन्होंने भ्रमण करके फिर वापस आ गया। फिर राधाष्टमी करके उन्होंने फिर और बड़ोद गुजरात बेंगालोर और क्या बेंगालोर होकर के पूरी गए, पूरी होकर दिल्ली आए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे। अतः ये 2009 में शाद हुआ था, 2009 में थोड़ा अस्वस्थ हो गया, शस्त्र लीला कर रहे हैं। तो अभी देखो क्या हुआ, तो उस समय अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तब इधर क्या हुआ हमारा जो ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी वो परिक्रमा भी चालू होती, तो गुरु जी उस समय दिल्ली में थे, तो दिल्ली में थे, अभी इधर परिक्रमा उन्होंने आदेश दे दिया कि माधव महाराज जी तुम्हें दोनों चलाएगा, और गुरु जी तो उस समय दिल्ली में ही थे तो ज्यादा बाहर जा नहीं पाए। तो अब देखो क्या हुआ, बीच में जब हम गोवर्धन में थे उस समय गुरु जी ने बताया देखो मेरे को गोवर्धन जाने की इच्छा है तो आप क्या करें, तो ठीक है गुरु जी आज्ञा है तो गोवर्धन चले, तो गुरु जी ने गोवर्धन आ गए, लेकिन ज्यादा दर्शन नहीं देते, ज्यादा दर्शन नहीं देते थे, भजनपुर जी मंदिर में रहते थे, कभी कभी वो जो भजनपुर के दरवाजा थे दरवाजे के सामने आकर के भक्त लोग दर्शन करते थे, और क्या होता कभी कभी वो मॉनिटर व्यवस्था उन्होंने किया था, एक पर्दा में उन्होंने हरि कथा बोलते थे, तो ज्यादा बाहर में नहीं आए। तो क्या हुआ वहाँ पे उस समय मैंने देखा था, मैं तो 2 साल हुआ लेकिन मेरा अनुभव क्या है देखो, तो एक बार देखा था जो मुझे भजन कुटी में कोई ईश्वर से भक्त आए महाराज, मैं उनको जानता था लोकनाथ महाराज, और लोकनाथ महाराज थे और एक था गोपाल कृष्ण महाराज, दोनों को मैंने जानता था, और 3 प्रभु थे, दोनों आकर के गुरु जी से मिले, क्योंकि गुरु जी के साथ स्वामी महाराज का हार्दिक संबंध था, उन्होंने नहीं मानते लेकिन स्वामी महाराज ने स्वीकार किया, लेकिन स्वामी महाराज अंतर्धान के अप्रकट उपरान तो उन्होंने गुरु जी के साथ नहीं मानते थे, लेकिन स्वामी महाराज अंतर्धान से पहले उन्होंने गुरु जी को बताया था, क्योंकि क्या बताया था कि मैंने बहुत सारे शिष्य बनाया, मैंने दीक्षा दे दिया, लेकिन उनको अच्छे से भक्त नहीं बना, इंसान तो दूर की बात है, ये विदेशी लोग हैं, भक्ति को क्या चीज नहीं जानते, मैंने प्रयास किया उन सभी को महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से जोड़ने के लिए। तो आप तुम्हारा जिम्मेदारी है ना, तुम्हारा जिम्मेदारी है क्या तुम उनसे अच्छे से इंसान बनाओ, भक्ति तत्व की शिक्षा दो, तो गुरु जी ने बताया था हाँ मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि ये गुरुदेव की महिमा है, ये गुरुदेव जी ने स्वामी महाराज को
लाकर के परम गुरु से जो सुंदर दीक्षा दिलाया है ना। जब उत्तर में आने था उस समय देखा तीन छवि है ना, तो तीन जन के एक साथ में उन्होंने दीक्षा दिया। साई महाराज जी मुनि महाराज और कौन है, तो साई महाराज लेना नहीं चाहते, वो गौरमन देव उनका नाम था। हाँ तो उस समय उन्होंने बंगाली घाट है ना विश्राम घाट में वहां पे जाकर रहते थे, लेकिन गुरु जी से मिले तो गुरु जी को खींच करके लेके आए। उस समय तो एक साथ था है ना, और गुरु साई महाराज गृहस्थ थे, काम भी करना पड़ता था, लेकिन इतना उनका ज्ञान था तो हमारे गुरु जी को पता चला, तो उन्होंने आकर के परम गुरु जी से उनके जो गुरु जी है उनके मैंने केशव मुहा जी से मिला दिया था। तो गुरु जी की कृपा से उनकी सन्यास दीक्षा हो गई, लेकिन जब तक सन्यास नहीं हो पाता तो उन्हें प्रचार भी नहीं कर पाता था। इसीलिए साई महाराज इतना बड़े है, आज स्तन इतना बड़ा हो गया, एक उसके मूल में कौन है जन्म हमारा गुरुपाद बनना है। यदि गुरु जी उसके सन्यास नहीं दिलाते थे लेकिन आज साई महाराज नहीं बन पाते, ठीक है ना। ये गुरु जी की वो एक अवदान है ना, क्योंकि पहले साई महाराज सारा विश्व में मैंने होलवाल में प्रसार किया, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस और भगवत गीता को ज्ञान उन्होंने प्रसार किया। इसलिए ये आज जो हो रहा है वो साई महाराज की कृपा से है। और गुरुदेव ने क्या दिया, गुरुदेव ने साई महाराज तो प्रचार किया, लेकिन गुरुदेव जो हमारा गौरी जो सिद्धांत है उनके मूल में जो ब्रज प्रेम है ब्रज रस धारा है ये गुरु जी ने बताया। हाँ इनके अलावा कोई दूसरा प्रचारक है नहीं, आप भविष्य में मैंने तो काल से कभी होगा भी नहीं है ना, ये महा गुरु जी का दान है। तो ठीक है, इन जीबी सिंह ने मिले थे 24 अक्टूबर, हाँ पांच प्रतिनिधि आए थे और जीबी सिंह बोर्ड है ना उनके तरफ से, तो उन्होंने गुरु जी से माफी मांगी थी उन्होंने, तो जो भी कुछ हो गया आप हमें सब क्षमा कर दीजिए। तो गुरु जी क्या है, वो तो अदृश्य दोषी है, किसी को दोष नहीं देखते हैं, नहीं दोष देखते हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने चला गया। तो गुरु जी की फिर परिक्रमा भी खत्म हो गए। होने के बाद हम उधर आ गए, हम उतना में आ गए, तो अभी आए 2010 में। तो गुरु जी एक बात है, मथुरा में परिक्रमा खत्म हो जाता मैं मथुरा में आ जाता था, तो मथुरा में किताब का काम करता, उस समय अमोल प्रभु थे, माधव प्रिय प्रभु और हमारा जो सिद्धांत महाराज तो वृंदावन में जाते थे, और अमोल प्रभु मैं हमारे विजय कृष्ण प्रभु तो कंप्यूटर रूम था उस समय अनुवाद काम करता था। तो दो तीन माधव महाराज के जो किताब है तो मैंने भी उसको अनुवाद किया था, ठीक है प्रभु जी। अनुवाद करता था। तो गुरु जी जब विदेश से आते थे मथुरा में आकर के ठाकुर जी के प्रणाम करके उन्होंने भजनपुर में बैठे थे ऊपर में, हम लाइन करके दर्शन करने के लिए जाते। तो पहले सीनियर जो है माधव प्रभु हमारे कृष्ण में जाते थे, उन्होंने बोलते थे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो पीछे जाता था उस समय, तो 2-3 साल हुआ। वो है गौरांग ब्रह्मचारी नाम, सिद्धु गौरांग बोलते थे, माधव प्रभु मेरे को चिढ़ाते थे, सिद्धानी महाराज जो भी गुरु जी के सामने आपका नाम करके, तो मैं बोलता था अनुवाद का काम करना ठीक है, ऐसे छोटे से हाथ उठा करके ऐसे करते थे बस, ऐसे हुआ था। और जब सामने बैठते थे ना तो भजन गुट के सामने बीच में बैठते थे सर, जितने सर सब विदेशी बुद्ध आकर के चारों से बैठ जाते, उसमें कितना ना आनंद होता। और उस समय जो परिक्रमा होता था प्रभु जी मैं क्या बताऊँ, मैंने 3-4 साल परिक्रमा की जिम्मेदारी संभाला, 24 बाद आता था 24 बास परिक्रमा के लिए, और हमारे बंगाल के लिए 16-17 बास, तो विदेशों के लिए 7-8 बास हाँ परिक्रमा में भाग पार्टिसिपेट करता था, कितने भक्त आता था, कितना आनंद होता था। ये आनंद एक सपने की तरह हो गया। अभी दूसरे भक्त संभाल रहा है लेकिन अभी गुरु जी नहीं है परिक्रमा भी नहीं है, तो बंगाल में कीर्तन याद आएगा। बंगाल में देखो गुरु जी है नहीं ये भाव भी यहाँ चला गया। बंगाल में क्या एक पद है, 2 लाइन गा देता हूँ, ए आर बाजा बे वाशी श्याम ब्रजे नाय, मतलब श्याम नहीं है तो ब्रज में कौन बंसी बजाएगा है ना, तो राधा जी के साथ किससे मिलेगा, श्याम नहीं है तो हमारे गुरु जी है नहीं, तो ये जो आनंद है कितने भक्त हो, 24 बास मतलब क्या है, अभी तो बहुत कम होते होते 8-9-10-12 यहाँ पे खत्म होता। तो यहाँ का जो विदेश में जब गया था गुरु जी का जो शिष्य
मेरे सामने आते थे, रोने रोते थे, उन्हें क्या रोते थे, क्रंदन करते। मैं मालेशिया में गया था, नहीं माने ये हॉलैंड में जब गया था वहाँ भी बहुत सारे गुरु जी के भक्त आए, और जर्मनी में भी गया और रशिया में भी गया, वहाँ पे बहुत सारे गुरु जी का शिष्य है। लेकिन उन्होंने उम्र हो गया, ज्यादा चलना आता नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ ना, हमारे जो मूल धारे से थोड़ा बिछड़ गया, क्योंकि उन्होंने आ नहीं पाते, कोई उसको बुलाता भी नहीं है, वो दुखी है। तो जो भी हो, मैं बोला देखो दो तो परिक्रमा चल रही है, अब परिक्रमा आ जाओ पार्टिसिपेट करो, हाँ तो अच्छा लगेगा, ये गुरु जी का ध्यान देन है। तो ठीक है, तो कुछ भक्त आया था, फिर अभी दो बार गया था, बीच में जा नहीं पाया। तो उस समय क्या होता है, अभी देखो क्या हुआ, और मुझे लॉकडाउन तो चल रहा है, बहुत भक्त भी कम हो गया, फिर भी परिक्रमा इस बार भी चलेगी, है ना। तो आप देखो गुरु जी जब अस्वस्थ कर रहे थे, बाहर भी जा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में क्या हुआ, मॉस्को गया था, तीन चार दिन के लिए उन्हें मॉस्को गया था। और वहाँ पे वो समय क्या था, वो क्या है, जून जुलाई की तरह शायद उन्हें गया था, हाँ अगस्त में, अगस्त में तीन चार दिन मॉस्को गया था। तो वहाँ पे क्योंकि गुरु जी शायद दो बार गया था रशिया में, रशिया में उनका बहुत भक्त है, अनुरागी भी है ना, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना गुरु जी का लेक्चर, वो गुरु जी से पहले लेक्चर जाते है ना। अभी देखो ये इंटरनेट चल रहा है, गुरु जी जाने से पहले उनका लेक्चर चला गया है ना, वो लेक्चर सुनते सुनते गुरु जी के साथ सबका प्रेम संबंध हो गया, इसको लव एट फर्स्ट साइट है ना, हरि कथा सुनते ही। क्योंकि ये जो हरि कथा वो किसी मुख से नहीं निकल पाता, नहीं निकलता था, केवल गुरु जी का ही मुख से, क्योंकि 1996 से जहाँ पे जाते सब विदेश में आ जाते, हम लोग तो बंगाल में जाते हैं या इंडिया में, बाहर में जा नहीं पाते, लेकिन जहाँ पे गुरु जी जाते थे सब ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, न्यूजीलैंड से, ह्यूस्टन से, सब भक्त आकर के गुरु जी जहाँ पे जाते थे तहाँ पे चले जाते, वो तहाँ पे हरि कथा सुनते थे, प्रश्न करते थे गुरु जी के बारे में। ये है कि गोल्डन एज था, है ना, उस समय सुवर्ण युग था, गोल्डन एज था। बंगाल कभी कभी आ जाता है, एथेंस में हमारा इंडिया में भी गोल्डन एज था, ये भी गोल्डन एज है ना, तो ये गोल्डन एज था। अभी पता नहीं, हमारा प्रभु जी जानते हैं ना अभी क्या होगा नहीं होगा, हमारा अजय प्रभु पुराने भक्त है, उनकी अभिज्ञता ज्यादा है, क्योंकि हम तो सुनने से एक साथ में है, लेकिन वास्तव अभिज्ञता प्रभु जी का आपका अच्छा है, अभी भविष्य में क्या होगा, गुरु जी की कृपा हमने कैसे ग्रहण सकते हैं, उनकी भावना को कैसे ग्रहण के आगे बढ़ाएंगे, वो समय बताएगा। टाइम समय बहुत मूल्यवान है, समय के हिसाब से बहुत बदल भी जाता है, चेंज भी हो जाता है, वो चेंज हमें ऊपर में ऊपर की तरफ लेके जाएगा और नीचे की तरफ लेके जाएगा, दोनों तरफ से है, क्योंकि जीव तथस्था शक्ति का अंतर्गत है। तथस्था मतलब क्या है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो तीन चार दिन के बाद मसल उन्होंने उन्होंने आगे दिल्ली में आ गया, उस समय हॉस्पिटल में डाले भर्ती हो, उनके एडमिशन कराया गया था, तो बहुत उनका बीमार आ गया, तो बाद में उन्होंने उनको दिल्ली में लेके आया, वहाँ पे भी थे। अब इस बार भी क्या हुआ, उन्होंने ना जन्माष्टमी उन्होंने मना पाया मथुरा में, ना राधाष्टमी कर पाया। और इस बार भी एक बात है, हम लोग उस समय परिक्रमा में थे, है ना, परिक्रमा में थे, क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा चालू हो गया, तो गुरु जी बताया था देखो मैं नहीं हूँ तो क्या है, मैं परिक्रमा के साथ ही हूँ, मानो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे जा रहे हो, इसी भाव लेकर परिक्रमा कर, और मेरी जो सेवा है सेवा को ठीक से ढंग से अपना चलाओ, है ना, चेंज मत करो। तो इसी हिसाब से हम भी चलते जाते थे। तो वहाँ पे आखिरी समय में गुरु जी भी आए थे, वहाँ पे गोवर्धन में आए, है ना, उस समय हम लोग गोपीनाथ भवन में थे, तो गुरु जी गोपीनाथ भवन में कुछ दिन ठहरे। तो वहाँ पे क्या हुआ, गोपीनाथ भवन में एक आश्चर्य की बात, उस समय हम परिक्रमा में, मेरा तो उस समय इतना ये नहीं था ना, क्योंकि मैं तीन साल हुआ उस समय, तो माधव महाराज ऊपर में जाते थे गुरु जी के साथ, गोपीनाथ भवन में जहाँ पे गुरु जी का भजन किया, मैं नीचे जाता पास बाथरूम था, सीढ़ी के पास में जो ये था आंगिना था वहाँ पे जाता था, मैं शायद उद्देश्य भक्त भी जाता था, तो नीचे जाता था, ऊपर में जाता था कभी कभी प्रणाम करके आ जाता। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो सेवा कुंड की जो पुजारी है आप सभी घटना जानते हैं, उस समय में वहाँ पे ही था, तो नीचे था,
तो कौन पुजारी क्या है मुझे पता नहीं। जब वहां पर माधव भाई जी ने आकर के अनाउंसमेंट किया ये पुजारी पुजारी सेवा कुंज की पुजारी आकर के ऐसे ऐसे क्या हुआ घटना। तो उस समय गुरु जी ने सेवा कुंज में जाने एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी है, एक तो घटना भी है हमारे जीवन में दुर्घटना भी है। क्यों? इन घटना के साथ और एक घटना जुड़े हुए हैं। क्या है? तो सुबह करीब 2 बजे राधा जी आकर के सेवा कुंज में जो पुजारी थी पुजारी के सपने में आदेश दिया, देखो मेरा जो भक्त है ना नारायण महाराज इस बार सेवा कुंज में आ नहीं पाए, तो मेरे तप से मेरा जो प्रसाद है तुलसी की माला प्रसाद चंदन तिलक लेके जाओ और उनको दे दो और कहना उसको बोलो मैंने कहा ही शुड कम टू सेवा कुंज एज एल एस पर्सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो तुम आ जाओ कहाँ सेवा कुंज में। किसने बुलाया? राधा जी ने बुलाया। किसको बुलाया? हमारे गुरु जी को बुलाया। गुरु जी कौन है? तो रमन मंजरी है। तो राधा जी ने खुद रमन मंजरी को बुला रहे सेवा कुंज में। किस प्रकार से ये तो हमें पता नहीं है क्योंकि गुरु जी उस समय बाहर जा नहीं पाते, ऊपर में जाते। लेकिन परिक्रमा में उनका तो 54 साल से आज प्राय कितना साल हो गया 56 साल 56 साल तो उन्होंने परिक्रमा में भाग लिया था। इससे पिछले साल भी उन्होंने जा नहीं पाया, इस बार ही पूरा बंद हो गया। इसलिए उनका अंदर जो दुख है जो व्यथा है जो वेदना है ये हमें समझ नहीं पाए। मैक्सिमम समय में उन्होंने चुपचाप जाते थे, राधा कृष्ण लीला उन्होंने स्मरण करते याद करते। जो पुजारी 3 बजे गोपीनाथ भवन में आ गए तो ऊपर में चले गए, अपनी सेवक से मिले तो सेवक को बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो माधव महाराज थे कृष्ण कृपा प्रभु थे, कृष्ण कृपा प्रभु शायद 5 मिनट थे मालूम नहीं है। तो पुजारी को गुरु जी के सामने लेके गया तो पुजारी ने होते होते गुरु जी को प्रणाम किया, ओ भाग्य इसलिए गुरु नारायण महाराज मेरा इतना दिन तक मैंने सेवा की राधा जी का दर्शन नहीं मिला लेकिन आज मेरा सौभाग्य हुआ राधा जी आकर के हैं सपने में आकर के आपका नाम बताया, मेरे को आदेश दिया जाने के लिए, मतलब राधा जी का मेरा दर्शन हो गया अब गुरु जी की कृपा से वैष्णव की कृपा से। इसीलिए वैष्णव की कृपा गुरु जी की कृपा पहले होना चाहिए तो इसके बाद भगवत की कृपा होगी। तो पुजारी अभी खुद को भगवान मानते थे, ये नारायण महाराज जी जैसा भगवान हमें भी कभी मिला भी नहीं देखा भी नहीं है क्योंकि उनकी कृपा से राधा जी का दर्शन हो गया। उन्हें प्रसाद जो राधा जी का माला पहना दिया और प्रसाद भी दे दिया, तुलसी भी दे दिया, प्रणाम किया। तो माधव महाराज जी शायद उन्होंने प्रणामी देने के लिए दिया था डोनेशन। तो जी बोले देखो ये डोनेशन मिलकर क्या करें, आज जो मिला है मेरा जीवन में अभी तक मिला नहीं, आज गुरु जी की कृपा से मिला, इससे बड़ा दान क्या है और इस पैसे मैं क्या करूं, मेरा तो जन्म सार्थक हो गया नारायण महाराज की कृपा से। लेकिन गुरु जी के एक बात तो राधा जी ने कह दिया सेवा कुंज में राधा जी गुरु जी को बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शायद अंतिम होगा या क्या होगा मालूम नहीं। जब ये बात कही तो हम लोगों ने जब शोभन किया तब सबके आंखों से आंसू की झुली आ गई। तो गुरु अंत प्रांत सब भक्त लोगों ने सब बहुत दुखी हुए बहुत हुए ना। तो सबको गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया कि राधा जी की खुद कृपा, राधा जी ने आदेश दिया मां जाओ, ये तो स्वप्न भी हम सोच नहीं सकते है ना। लेकिन ये जीवन में कभी कभी किसी के भाग्य में किसी के व्यक्ति के भाग्य में घटता है। तो हम तो देखा नहीं गुरु जी की ज्यादा नजदीक जा नहीं पाते थे लेकिन मेरा एक अनुभव हो गया था जब उनके भक्त लोग देखते थे कितने भक्त आ जाता है, मतलब क्या है मेरा अंदर में नहीं है लेकिन सभी के तो अंदर में है, गुरु जी कैसे आकर्षण करते थे खींच लेते थे चुंबक की तरह, बोलना नहीं पड़ता। जैसे परीक्षित महाराज ने प्रवेश में बैठ गया उस समय तो मोबाइल नहीं था किसी को बोले, लेकिन अपने आप सब आ गया, सुखदेव गुस्से में आ गया, बड़े बड़े आ गया,
हजार हजार लोग आकर के परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी मुख से सब भक्त लोग सुन रहे थे कैसे हुआ ये भगवत की कृपा से वैष्णव की कृपा से है ना। इसी प्रकार गुरु जी जहाँ पे जाते सब खींच करके आ जाते ये मोहमय अट्रैक्शन ये बोलने में नहीं है तो अनुभव की बात है। मैंने तो ये सोचता जाता था कि ऐसा गुरु जी हमें छोड़कर चले गए फिजिकल में चले गए लेकिन आखिरी में है जब हम गुरु जी का आदेश पालन करके प्रचार करेंगे प्रोग्राम करेंगे गुरु जी की महिमा कीर्तन करेंगे तो गुरु जी भी हमारे पास उपस्थित है रहेंगे हमें भी दर्शन देंगे। ये कभी कभी मिलेगा नहीं मिलेगा मिले ना मिले दैव जी घट ये दैव की बात है। तो आप देखो परीक्षा तुम खत्म हो गई हम भी मथुरा में आ गए और कुछ दिनों के बाद गुरु जी पूरी चले गए। उन्होंने जाते समय कहा था वहाँ पे भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज शरीर त्याग दिया था मैंने भी उधर जा रहा हूँ कह करके कह तो पूरी ये जगन्नाथपुरी ये विप्रलम्ब का स्थान है ये हमारा गौर गुरुवर्ग का विरह का स्थान है और गुरु जी इधर चले गए। जब तक उन्होंने प्रकट थे अस्त लीला में थे तब तक उन्होंने गंभीर थे ज्यादा बात नहीं करते थे और स्मरण करते थे भगवान की लीला राधा जी की लीला स्मरण करते थे। और क्या हुआ 29 दिसंबर 2010 में सुबह 3 बजे उन्होंने जब हम मंगलारती कर रहे थे मठ में मुंदी में मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति राधा जी गुरु मंगल निशांत लीला मंगल उदय तो गुरु जी सुबह 3 बजे उन्होंने ये शरीर को उन्होंने त्याग करके अपने नित्य शरीर में जा करके अमन मंजरी रूप में शरीर लेकर उन्होंने राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गया। हम सभी भक्त लोग थे शिष्य लोग थे अनुरागी जो थे सब आज अनाथ हो गए। तो ये भी में एक बात है जब गुरु जी चले गए तब हमारे तीर्थ महाराज थे सबको सामान लेकर चलते थे बहुत प्यार भी करते थे। जब तीर्थ महाराज भी चले गए तब सुनाटा पड़ गया विशेष करके हमारे जितने से बंगाल भक्त हैं उनके सामने तीर्थ महाराज प्राण की तरह थे 40 साल तक तीर्थ महाराज इस बंगाल फील्ड ने देखभाल किया परिक्रमा संभाला था गुरु जी के साथ। अभी तीर्थ महाराज जाने के बाद परिक्रमा अभी तीर्थ महाराज एकले हाथों में 2 परिक्रमा चलाते थे एक नवद्वीप मंडल परिक्रमा दूसरी ब्रजमंडल परिक्रमा। अभी 2 भाग हो गया माधव महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा चलाएगा हमारे बन महाराज नवद्वीप मंडल परिक्रमा बाद में क्या होता है। तो इसलिए मैंने अभी मैं भी सोच रहा हूँ एक एक बार चले जाएगा हम क्या करें है ना। तीर्थ महाराज जाने के ऊपर मैं भी सोच रहा था हमें कि शायद अनाथ हो गया क्या करें क्या नहीं करें अब टाइम बताएगा हमारे जो बड़े बड़े सीनियर वैष्णव है वो टाइम से उनसे बताएंगे। तो जो भी हो तो गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया हाँ तो उस समय निशांत लीला चल रहा था परम गुरु में ये मंगला के कीर्तन को उन्होंने रचना किया। तो क्या हुआ वो जो दिन था जो हमारे गुरुवर्ग ने बताते थे ये हमारे बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भक्ति क्या है गुरु जी जब नवद्वीप में आए थे रात के समय नवद्वीप स्टेशन में उतारा कोई नहीं था तब सज्जन सेवक ब्रह्मचारी मैंने बामन गोस्वामी महाराज जा करके गुरु जी को लेकर के अपने गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव भक्ति भवन केशव गोस्वामी महाराज से मिला दिया था और उनके चरण में समर्पण कर दिया था। आज भी ऐसा देखो आज बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भक्ति उसी दिन ही सुबह गुरु ने शरीर छोड़ दिया मानो बामन गोस्वामी महाराज भी इस दिन में आकर के हमारे गुरु जी के लेकर के राधा कृष्ण की जो नित्य लीला है अपने रमन मंजरी स्वरूप में लेकर के उन्होंने राधा जी के पास परम गुरु जी के पास भेज दिया और परम गुरु जी भी उनके पास भेज करके राधा जी के पास हमारा गुरु जी को भेज दिया। ये भाग्य है सौभाग्य है ये काकतुल्य बात नहीं है ये घटना ऐसा है ये भगवान की इच्छा से हुई राधा जी की इच्छा से हुई ये हमारा हम जैसे बुद्ध जी समझ नहीं पाएगा। और एक घटना है देखो ये जो मास था ये कौन सा मास था बंगाल ये बंगाल में पौष मास था लेकिन वैष्णव क्या मास था ये नारायण मास था। गुरु जी का जब जन्म हुआ उनका नाम था नारायण तिवारी है ना। जब उनका दीक्षा हुई तो गौ नारायण हुआ है ना। जब उनका सन्यास दीक्षा हुई
भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज तो उन्हें जब शरीर त्याग दिया नारायण महीने में उन्हें शरीर त्याग किया। तो नारायण मतलब क्या है, नॉट ऑयन, नॉट मतलब जल, ऑयन मतलब आश्रय, जो जल को पानी को आश्रय करके जाते हैं। और एक बात है, जो भक्ति को आश्रय करते हैं सबको आश्रय दिलाता है वही नारायण बन जाता है। तो गुरु जी ने सारा विश्व का आश्रय दिया अपनी भक्ति रस के द्वारा सिंचित करके, वही उनका क्रेडिट है। तो उन्होंने हम से दूर चले गई, लेकिन जो शिष्य है गुरु जी की महिमा कीर्तन करके उनका जो अनुभव उपस्थिति अनुभव कर सकता है। हाँ, तो मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मुझे इतना अनुभव नहीं है, फिर भी मैं जब उनको याद करता हूँ, जब देखता हूँ जो गुरु जी के समय कितना भक्त आए करते थे, गुरु जी कितना शुद्ध हरि कथा बोलते थे, और सुनते ना मेरा भी, मैं भी भाव में गदगद हो जाता हूँ। ऐसे जो गुरु जी है मेरे अंदर में ही है, लेकिन हम जो शिष्य है अच्छा भजन करना पड़ेगा। जो गुरु जी पहले मेरे को बात कहा था, भजन जब तक नहीं करेंगे अनुभव या उपलब्धि ये भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से भजन जब जितना करेंगे हमारे उपलब्धि भी इतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तब उन्होंने तय किया, नवद्वीप में उनके शरीर को लेके आए, उनकी उन इच्छा थी। उन्होंने पहले उनको प्रेफरेंस था मेरा शरीर को कहाँ गोवर्धन में समाधि दी, और फिर दूसरा उनका रेफरेंस था नवद्वीप। लेकिन गुरु जी आए कहाँ, नवद्वीप। ये नवद्वीप कौन है, ये कोलद्वीप का अंतर्गत है। ये कोलद्वीप क्या है, अभिन्न गोवर्धन है। इसीलिए गुरु जी की जो इच्छा थी ये गोवर्धन में उनकी समाधि होगी, ये गोवर्धन में ही हुआ, क्योंकि गोवर्धन में ऐसे पुष्प समाधि तो हो गई। लेकिन शारीरिक से गुरु जी का जो नवद्वीप में समाधि हुई, इनका दो इच्छा पूरी हो गई। एक तो नवद्वीप में समाधि हो गई, फिर उनकी जो इच्छा थी गोवर्धन में समाधि उनको करना चाहिए। तो ये कोलद्वीप है, अभिन्न गोवर्धन है, इसीलिए गुरु जी की इच्छा पूरी हो गई और भक्तों की इच्छा भी पूरी हो गया। और हमारे अहोभाग्य भी है बंगाली भक्तों के लिए, जो गुरु जी का समाधि अपने केशव जी गौरीमठ के पास, उनकी जो गुरुदेव के पास, दादा विनोद जी के पास उनकी समाधि हुई। तो हम ये समाधि उन्होंने बनाए हमारे प्रेमानंद प्रभु, है ना, हम उनके प्रति हम भी बहुत कृतज्ञ हैं, है ना, क्योंकि ये समाधि बने बहुत सारी कोई समस्या हो गया था, फिर बंद हो गया था, आप सब जानते हैं, लेकिन प्रेमानंद प्रभु ने अपने हाथ से लेकर के जल्दी से ये समाधि बना दिया। विश्वनाथ का जो स्थान है ना, इतना सुंदर, मतलब निर्विल है, बहुत निर्जन जगह है, बाहर का कोई ये नहीं है, ये भजन की स्थान है। गुरु जी का जो समाधि है उनका दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्रचार में प्रचार के लिए बाहर आ जाता हूँ इसलिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा स्थान है। तो गुरु जी का जब शरीर को लेके आए दूसरा दिन, हमने नगर परिक्रमा किया, इतने सारे भक्त आए, मैं तो इतना उस समय तो इतना ये नहीं था ना, मैं जो आगे बढ़ करके जाऊँ या कुछ करूँ, तीन साल 2010 में, तो जितने मायापुर से जितने सारे गौरी मठ है ना, सब भक्त आकर के पूरा हमारा जो मठ है पूरा मंदिर भर गया, नाथ मंदिर भर गया, एक बूंद भी स्थान नहीं था। जब समाधि हम दे रहे थे पूजी के भजन कुटी के सामने, देखा सब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट मंजिल, दूसरा तीसरा मंजिल में आकर के सब कांजिस के ऊपर चढ़ करके सब देख रहा था गुरु जी की आखिरी दर्शन। मैंने तो आश्चर्यचकित हो गया, इतना भक्त कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मैंने गुरु जी का प्रभाव देखा, है ना। और जितना हम गुरु जी का जो ग्रंथ है पढ़ेंगे, उनका जो विदेश में जो टूर उन्होंने किया था, जितने पढ़ेंगे इतने हमारे अंदर वो भाव आएगा, जो गुरु जी जो देखे गया वो अमूल्य संपदा, वही है गोल्डन चेजारी, जो हमें किसी तरीके से हमें मिलना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, ग्रंथ में है लेकिन हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये हम गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, आप हमें कृपा करें कि आपकी भाव को, आप ग्रंथ में जो दिया जो संपद को मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ, तो हम दूसरे को भी बोल सकूंगा। तो अभी तो समय है, तो ठीक है प्रभु जी, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, हाँ महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप बात बता रहे हैं। नहीं सुंदर बात नहीं है, आप कभी बीच में कमेंट कर सकते हैं, सजग हो जाऊंगा। आप इतने बढ़िया से बोल रहे हैं, भविष्य में क्या इंटरव्यू करूँ। अच्छा सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से तीन साल का ब्यौरा लिखा हुआ है, एक एक डेट के हिसाब से, एक एक जगह कहाँ गुरुदेव गए, अद्भुत है, मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं, इतने हिसाब से सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ आपने।
जो आपने 3 साल गुरु जी के साथ बिताए उसका एक एक क्षण आपने गुरु जी का संग का उपयोग किया, उसके नोट्स बनाए हुए हैं और कहाँ कहाँ गुरुदेव गए, विदेश में कहाँ गए, कितने दिन रहे, ये सब किसी के पास भी नहीं है सर, जो नोट्स आपने बनाया है बहुत अद्भुत है। तो इसलिए हमें कीर्तन कर सकते हैं श्री रूप हाँ मंदिर ठीक पद, ठीक है महाराज जी। जो गुरु जी का बहुत प्यारा संगीत है, कौन सा कीर्तन हमारे करेंगे, अंदर है कौन सा कीर्तन करेंगे मंदिर महाराज जी। पद, श्री रूप मंदिर पद से ही ठीक मुझे ठीक संपूर्ण। ठीक 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 है श्री रूप मंजरी पद से मोरो संपद, श्री रूप मंजरी पद से मोरो संपद, से मोरो भजन पूजन, से मोरो भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आवरण, से मोर जीवन जीवन, से मोर जीवन जीवन, से मोर रस निधि, से मोर बांछा सिद्धि, से मोर बेदेर धरम, से मोर बेदेर धरम, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे होइबे सिद्धि, अनुकूल हवे विधि, से पदे होइबे सिद्धि, निरखिब से दुई नयने, निरखिब ये दू नयने, से रूप माधुरी राशि, जानकु बलय शशि, से रूप माधुरी राशि, जानकु बलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशि दिने, प्रफुल्लित हबे निशिदिने, सुआय दर्शन ओही, गरले जारल देही, सुआय दर्शन ओही, गरले जारल देही, चिरदिन तापित जीवन, चिरदिन तापित जीवन, आहा प्रभु कर दया, देहो मोरे पद छा, महाराज जी अनम्यूट करें, म्यूट हो गए। देहो मोरे पद छाया, नरतम लोइला शरण, नरतम लोइला शरण, से रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर
भजन पूजन हे मोर भजन पूजन जय श्री रूप मंजरी जय श्री रूप मंजरी श्री रूप मंजरी जय श्री रूप जय श्री रूप गोस्वामी जय श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जय श्री रूप नारायण गोस्वामी जय नारायण गोस्वामी जय गुरुदेव नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर प्रेमानंद हरि हरि बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत ही भावपूर्ण आपने गुरुदेव को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया, आपने बताया कि किस तरह से आपने एक गुरुदेव की पुस्तक से सारा ये शुरू हुआ, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ये पुस्तक सबसे पहले आपको मिली। और मैं आप सबको बता दूं, ये पुस्तक सचमुच बहुत अच्छी है। जो लॉर्ड, जैसे महाराज जी बता रहे थे, जगन्नाथ जी की जो यात्रा है उसके पीछे क्या भाव हैं, क्या गहरे भाव हैं, वो सब गुरुदेव ने इसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। क्या इतिहास है, तो जो पहले कभी शायद लिखे नहीं गए और लोगों को पता भी नहीं, काफी लोगों को, वो सब इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक के कारण आप गुरुदेव के आपकी यात्रा शुरू हुई। और जो पहली चीज गुरुदेव ने आपको बताई वो भी बड़ी जबरदस्त, भोजन और भजन, ये आपको बताया गया, भोजन और भजन। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भोजन के लिए ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है, एक्चुअली हमारा पूरा जोर जो है वो भोजन के ऊपर है। सुबह से शाम तक कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सारी हमारी बुद्धि जो है, सारी हमारी अविष्टता सिर्फ भोजन के लिए लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं भोजन से भी भजन भी जरूरी है, और भोजन तो सबको भगवान दे ही देता है, सबको दे ही रहा है, चाहे कोई जब सब जानवरों को, पूरे ब्रह्मांड को भोजन मिल रहा है, लेकिन भजन जो है वो सिर्फ मनुष्य लोग कर सकते हैं। फिर आपने वो मीराबाई का कीर्तन सुना, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नरफी को। तो देखो कैसे आपने बात को ग्रहण किया, ये कीर्तन जब करते हैं तो आपको गुरुदेव की बातें याद आ गई, भोजन और भजन, भजन कितना जरूरी है, भजन बिना नर फीको। तो मैं तो कहूंगा कि हम सब फीके के फीके ही हैं, क्योंकि हमारा जोर तो भजन पे उतना है नहीं जितना भोजन पे है। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई जो गुरुदेव ने सबसे पहले पहले पूज्य महाराज जी को बताई कि भोजन पे ज्यादा जोर ना देके भजन पे हमें जोर देना चाहिए, तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर आपने गुरुदेव के बारे में बोला कैसे रूप गोस्वामी के प्रति उनकी इतनी अविष्टता, और किस प्रकार से वो रूपानुग थे, किस प्रकार से धर्म सभाएं करते थे हर साल इतने उत्साह के साथ। ये बात ठीक है, गुरुदेव रूप गोस्वामी के प्रति अत्यंत अत्यंत उनके शरणागत और उनके भावों को अपने हृदय में कैरी करते थे। और आपने बहुत सुंदर लास्ट में श्री रूप गोस्वामी का रूप मंजरी का कीर्तन भी किया, एकदम उपयुक्त गुरुदेव के लिए। जो सब गुरु जी की महिमा है, मेरे कुछ नहीं है, मेरा नाम मत लीजिए। नहीं, आप महाराज जी ऐसे गुरुदेव के इस तरह से पहचानना कि गुरुदेव की कहां उनकी अविष्टता है, ये सबके बस का भी नहीं है। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समाप्त भी किया अपने वक्तव्य को। एक बात ना, जब गुरु जी के अंतर्धान हो गए ना, तो कुछ भक्त को मैंने सुना था, गुरु जी है ना हम दूसरे जगह में जाएंगे, एक समस्या खाली हो गई उस समय, पूरी में मैंने था उस समय। अब देखा उधर जा रहे इधर जा रहे, वो ठीक है, वैष्णव से सुनना चाहिए, शिक्षा गुरु जी सुन सकते हैं, लेकिन गुरु जी है नहीं मतलब कुछ है नहीं, ये जो भाव उस समय प्रसाद हो गया था, ये बहुत मेरे तो वो दुख हुआ उस समय। हाँ, फिजिकल रूप से नहीं मतलब हमें छोड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं है, हम ये क्या है, गुरु निष्ठा है हमारे भक्ति का बैकबोन है ना, गुरु निष्ठा से बैकबोन अपार भक्ति। तो ये जब निष्ठा मतलब क्या है, गुरु जी है अभी भी है रहेंगे, है ना, महाराज जी आप जो बात कह रहे हो उस बात को मेरे को गुरुदेव की एक लेक्चर याद आ गया, कुछ दिन पहले मैंने सुना था। महाराज जी कह रहे थे जब तुम्हारे गुरुदेव फिजिकली नहीं है और आप उनको प्रार्थना करते हैं गुरुदेव मुझे ऐसा मुझे ऐसा, तो कहते हो गुरुदेव कहाँ है तुम्हारे, फिर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है। तो किसी ने कहा बीच से कि गोलोक धाम में है या वहां पे है, तो गुरुदेव ने पता क्या कहा, बड़ी अच्छी बात की, मैं सुनकर आश्चर्य से गिर गया। कहते हैं महाराज जी कहते हैं तुम्हारे गुरुदेव
भगवान जैसे परमात्मा कण कण में है, वैसे कण कण में प्रवेश कर गए हैं। हर कण में, दुनिया के हर कण में, हर आइटम के अंदर उनका उनकी उनके प्रवेश है। तो हमारे आसपास जितने भी चीजें, हर जगह गुरुदेव हर जगह समाये हुए हैं, ऐसा महाराज जी ने कहा। मैंने उनका मुख से सुना ये लेक्चर में कि जो गुरुदेव है वो हर जगह प्रवेश कर गए, चारों तरफ। जहां से तुम उनकी पूजा करोगे, जहां पे करोगे, वहीं से प्रकट होंगे। तो हर समय हमारे साथ हैं, ऐसे महाराज जी कह रहे हैं। जितना बिल्कुल हाँ, जितना हम स्मरण करेंगे और लेक्चर सुनेंगे, वो उनका रूप, जब रूप भी हो, या गुरु जी का फोटो रख दिया आपने, तो गुरु जी का स्मरण किया, हमें पुष्पांजलि दे दिया, और आप देखो गुरु जी है नहीं, हम क्या करें। तो जो सचमुच यदि संबंध हो तो हम आंखों से आंसू भी आ जाएगा हमारे आंखों से, यदि ऐसे सच्चा संबंध हो जाए, तब तो गुरु जी हमारे पास ही। गुरुदेव पूरी तरह से महाराज जी पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरी चीजें कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, और आप जो उनसे पूछेंगे, आप जो उनके प्रति प्रार्थना करेंगे, उसको तुरंत पूरा करते हैं। मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से, और महाराज जी अपना गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि गुरुदेव नहीं है और वो, हम गाइडेंस कहाँ से लें उनसे। अब अभी भी आप गाइडेंस ले सकते हो, महाराज जी खुद कह के गए, अगर आप मुझसे प्रश्न करोगे मैं जवाब दूंगा। महाराज जी कहते थे, मैंने रूप गोस्वामी को प्रश्न किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने भक्तिविनोद ठाकुर को प्रश्न किया, वो मुझे जवाब देते हैं। सारी गुरु परंपरा हमारी है, ऐसा कोई भी नहीं जो कहीं गया हो, क्योंकि हम सब नित्य हैं। गीता का पहला ही दूसरे अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं। तो ऐसा सोचना गलत है कि गुरुदेव नहीं है। और आपने रूप गोस्वामी की, हाँ साईं महाराज की एक बात याद हो गई, सन्यास लेने के बाद साईं महाराज रूप हमारा राधा दामोदर मंदिर में ठहरे थे, वहाँ पे भागवत का काम करता था। तो उन्होंने सब प्रसाद पाते थे ना दोपहर के बाद, तो वहाँ पे रूप गोस्वामी समाधि मंदिर जाए तो उनके उसे देखते जाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा ये रूप गोस्वामी पर समाधि से आकर के उन्होंने उनको निर्देश दे रहे हैं, तुम जाओ बाहर में जाकर के विधि में जाकर प्रचार करना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने अनुभव कर रहे हैं जैसे रूप गोस्वामी पर उनको आदेश दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो 1921 में जब स्वामी भक्ति चंद्र प्रभुपाद से मिले स्वामी महाराज, तो उनको तो बताया था कुछ संभव हो तो इंग्रेजी में कुछ ग्रंथ लिखो तो विदेश में प्रचार करो। लेकिन आप स्वामी महाराज ने कर्म जगत में प्रवेश कर गई, संसारी हो गई, लेकिन वो तो उनका जो भजन था सेवा थी वो तो कर रहे थे। संन्यास लेने के बाद भजन कुटी में और दामोदर राधा दामोद में प्राय करीब करीब 8-9 साल ठहरे, वहाँ पे रोशनी बनाते थे, ग्रंथ लिखते थे और भागवतम लिखते थे, प्रचार में जाते थे, दिल्ली जाते थे, आते थे, बैक टू गार्ड मैगजीन भी उन्होंने प्रकाश किया। तो उस समय उन्होंने एक उनका जो अनुभव बता रहे थे, मैंने देखा जो रूप सनातन रूप गोस्वामी पर समाधि से मेरे को निर्देश दे रहा है, तुम जाओ अभी तुम्हारे टाइम होगा विदेश में जाकर प्रचार करने के लिए। ये गुरु जी की क्या है, शिष्य के तरफ से गुरु जी के प्रति निष्ठा और सेवा की भावना। तो इसमें हाँ, ये मुझे भी अच्छा लगा था साईं महाराज के। जी हाँ, महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है। देखो गुरुदेव जवाब उसी को देंगे जो निष्ठ होगा, गुरु निष्ठ होगा, उसकी भावना होगी। ऐसे हर एक को नहीं मिलेगा जिसकी गुरुदेव के प्रति ऐसी भावना है, जो समर्पित है, जो उनके कनेक्ट करता है उनके हृदय से, उनको गुरुदेव हर चीज गाइडेंस करेंगे। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, जैसे कि महाराज ने स्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल दिया, कैसे रूप गोस्वामी ने प्रकट होकर उनको बोला कि तुम विदेश जाओ, ऐसे हमारे साथ भी गुरुदेव करेंगे अगर हम उनके साथ अपने हृदय का संबंध रखेंगे। तो बड़ी सुंदर बात है, यही हमें करना है। शिष्य का मतलब यही है कि गुरुदेव के साथ हमारे संबंध को और प्रगाढ़ करते जाए, प्रगाढ़ प्रगाढ़ पक्का करते जाए, ना कि इधर उधर भागने से, अच्छा गुरुदेव के प्रति हम और समर्पित हों, सेवा में लगना चाहिए। जी हाँ, किसी भी तरह सेवा होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ऑल मस्ट सर्व, एक पोस्टर में वहां लगा रखा अपने साइड में, ऑल मस्ट सर्व, सभी को सेवा करनी चाहिए। तो सभी लोग कुछ ना कुछ अपने उपयुक्त सेवा गुरुदेव की करें। और आपने कहा कि रूप गोस्वामी की जो सभाएं होती थी, महाराज जी अगर कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर बोलता था तो बड़े ही मजबूत तरीके से उसको रोक के ठीक करते थे। महाराज जी कभी भी सिद्धांत अब सिद्धांत को सुन के चुप नहीं रहे आज तक, किसी भी सभा में चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बैठा हो, महाराज जी तुरंत उसको रोकते थे और उसको ठीक करते थे। महाराज जी बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इतने लोग क्या बोलेंगे, कैसा होगा, और सबसे अकेले ही सबसे डट जाते थे अपने जो सही सिद्धांत है जो गुरु वर्गों के सामने से आ रहा है उस सिद्धांत के ऊपर। तो अनेक पंडितों को मैंने हमने भी देखा है, महाराज जी ने कैसे बड़े प्रेम से काटते थे लेकिन बड़े प्रेम से, उनको बुरा भी नहीं लगता, उनको अच्छा लगता था गुरु जी ने ऐसा किया। और वो लोग आज भी महाराज जी को इस बात के लिए स्मरण भी करते हैं। और फिर आपने कहा गुरुदेव कितने हम्बल थे,
उन्होंने कहा मेरा जन्म बिहार में हुआ जहाँ पे कि कोई जाता नहीं, लेकिन असली में आपने इसकी बात बताई भी कि कैसे विश्वामित्र जी की तपस्या स्थली अहिल्यावली है जहाँ पे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। तो बहुत ही धार्मिक स्थान है, गंगा जी के किनारे है, बहुत ही धार्मिक मार्मिक स्थान है। मेरी भी इच्छा है वहां जाने की, मैं भी अभी जा नहीं पाया जैसे महाराज जी भी नहीं जा पाए, लेकिन हम सबको अवश्य ही जाना चाहिए अपने शायद जीवन गुरु में। जी की कृपा नहीं हो रही है इसलिए। या मेरी तो सोचा भी जाऊंगा अभी जल्दी ही, आपने याद दिला दिया। और फिर आपने कहा गुरुदेव का राधा दास्यम गुरुदेव का अवदान है, ये तो बहुत सही बात सब जानते हैं। राम कथा भरत चरित्र कितना सुंदर गुरुदेव कहते थे, कैकेयी का चरित्र कितना हाँ सुंदर अद्भुत, सचमुच आंखों में आंसू एकदम करुणा से भरा हुआ, और सब लोग रोने लग जाते जब महाराज जी ऐसा कहते थे। फिर मेरा भी पर्सनल अनुभव है, कृष्ण लीला एक प्रकार और रामलीला और एक प्रकार, है जी हाँ ना, ये दोनों तो एकदम पूरे तरह से एक विपरीत में हमेशा है। जहाँ कृष्ण जी में आनंद ही आनंद है हाँ ना, तो कृष्ण चले गए तो एक बात है, लेकिन ब्रज लीला तो आनंद ही आनंद है। लेकिन राम कथा देखो, रोने सुनना रोना शादी के बाद क्या हो हाँ गया पूरी तरह से, है जी हाँ। ना, और फिर हनुमान बाद जी के में वापस चरित्र, भी आए तो फिर सीता जी को छोड़ दिया, मतलब बहुत ही करुण हाँ महाराज जी कहते थे उसमें, रोना करुण में ही रोना है उसमें रामायण, अगर जो सुनेगा ध्यान से उसका दिल पिघल ही जाएगा। फिर आपने पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के संन्यास की बात कही, ये भी गुरुदेव का बहुत बड़ा अवदान है मैं समझता हूँ। अवदान है। हाँ गुरुदेव ने पूज्यपाद संन्यास स्वामी महाराज के साथ बड़ी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता थी, प्रिय बंधु गुरुदेव कहते थे या और शिक्षा गुरु कहते थे उनको, और उन्होंने इनको बहुत मोटिवेट किया संन्यास लेने के लिए, और उनके कहने से और परम गुरु जी के कृपा से वो संन्यास पॉसिबल हो पाया हमारे मठ में, जो मथुरा का मठ है वहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट था इस्कॉन के भविष्य में भी, और हमारे लिए हमारे गुरुदेव की कृपा भी इसमें पता चलता है। उसके बाद ही हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने पूरी दुनिया को विजय करा, सारे हाँ दुनिया में भगवान के नाम का पताका फहराया। तो ये संन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ इवेंट रहा हाँ ये इस्कॉन। पूरा मोड़ ऐसा हाँ इवेंट हाँ पूरा मतलब कनेक्टिंग लिंक है जी कि हाँ, टाइमर एक लाइन में जा रहे थे, लेकिन अब दूसरे एकदम से उनको हाँ प्रचार में पूरे पूरी पुष्ट तरह से मैंने ऊपर में हो गए। मुझे हाँ जगह सही पुश कर दिया, वही है है ये जी हाँ चेंज का स्थान है। इसलिए मथुरा स्थान इस प्रकार से भी अच्छा है। एक तो गुरु जी 1954 से थे, है जी हाँ। ना, 54 साल हो गया शायद, 54 56, हाँ छप्पन ज्यादातर समय 56 गुरुदेव ने है अपना मथुरा में ही बिताया महाराज जी, ज्यादातर समय। ज्यादा समय, तो 56 साल में तक एक स्थान में 56 साल तक रहना वो भी अच्छा बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम तो कहाँ थे, मथुरा में था कितना 3 4 साल, तो फिर घूमते घूमते नवद्वीप आ गया, या अभी कुदघाट में हम लोग हैं, देख लो, गुरुदेव को है ना। बिल्कुल भी, उनको तो उतने रस में डूबे हुए थे, हम लोग जाते थे उस समय 95 96 में, तो आप तो पुराने हैं, आप जानते हैं इस बात महाराज जी रस में डूबे रहते थे। और वह को, स्थान इतना ट्रांसेंडेंटल स्थान है मथुरा, जब गुरु जी होते थे है तो ना। क्या मतलब बहुत ही सुंदर, और पूरी दुनिया से लोग वहां आते थे। हम लोग उस समय हाँ कहीं भी नहीं जाते थे, ना वृंदावन जाते थे ना गोवर्धन जाते थे, सिर्फ मथुरा जाके वापस आते थे, सिर्फ सिर्फ गुरुदेव के पास जाना, वहां पे एक या दो जितने दिन रहना फिर वापस आ जाना, उसके अलावा हम कहीं भी धाम ब्रज में नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पे इतनी आनंद और इतना हाँ ट्रांसेंडेंटल वो स्थान था गुरुदेव के प्रेजेंस के कारण कि हम कह नहीं सकते। और हालांकि वो मार्केट के बीच में है, लेकिन फिर भी वो मार्केट की आवाज बीच बीच में आती थी, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देती थी, गुरुदेव की कथा ही साले सुनाई देती थी उस समय। कदा सुने जी हाँ हाँ बहुत सुंदर। और फिर अभी, आप हाँ आपने याद किया परिक्रमा के बारे में भी, कैसा आनंद होता था, 24 बसें जाती थी वो, जो अब सपने की तरह हो गया है। तो हम गुरुदेव से चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वो परिक्रमा का आनंद फिर जल्दी से आए वापस, और फिर से वो 24 25 बसें उसी तरह से डबल जाएं। हो जाए क्या? मुझे लगता है गुरुदेव जल्दी कृपा करेंगे और ये वैसा फिर से होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। नहीं महाराज जी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, परिक्रमा जब पाएगी साहब धूमधाम से, मुझे लगता है अच्छा से होगा, और फिर से जल्दी ही महाराज जैसे हमारी पूर्व परिक्रमा होती थी वैसे फिर से हम लोग कर पाएंगे। और परिक्रमा का आप आनंद अलग है, जी हाँ जी एक हाँ महीना जान 1.5 महीना, हाँ जान मथुरा में परिक्रमा होती थी 10 12 दिन के लिए, अलग रूप से फिर वृंदावन और नव गोवर्धन, जी हाँ, इतने खूब अच्छा संग मिलता था। परिक्रमा की उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी, बहुत ज्यादा, हाँ जिन्होंने उस समय अटेंड किया गुरुदेव के प्रेजेंस में वो जानते हैं। हाँ और फिर आपने कहा कि गुरुदेव जहाँ जाते थे रशिया और यहाँ वहाँ लेक्चर पहले पहुंच जाता था, और उनके मुख से जो हरिकथा निकलती थी वैसे किसी और के मुख से नहीं निकलती थी, ये बात ठीक है एकदम, जो महाराज जी जब बोलते थे एकदम लगता है शहद गिर रहा है,
और सब उसमें डूबे जा रहे हैं शहद के अंदर, ऐसी उनकी हरी कथा होती थी, इतनी सुंदर। और सेवा कुंज के पुजारी जी की आपने बात करी, वो तो उन्होंने फेसबुक पर डाल ही रखा है, सब लोगों ने शायद देखा होगा। उनके अनुभूति पुजारी को सपने में राधा रानी ने बोला कि ये तो कोई नारायण महाराज तुम्हारा यहाँ है आसपास, वहां जाओ, उनको ये माला पहनाओ, उनको ये प्रसाद दो। और ये पुजारी जी आए थे गोवर्धन में, महाराज जी उस समय गोवर्धन में थे, महाराज से मिले। और लोगों ने कहा कि महाराज, महाराज ने कहा कि मुझे दे दो प्रसाद, मैं पकड़ा दूंगा। तो उन्होंने दिया नहीं, कहते नहीं नहीं जो मेरे को आदेश हुआ मैं वही काम करूंगा, उन्हीं को दूंगा, आपको नहीं दूंगा। उन्होंने जिद करी, वो ब्रजवासी है और ठीक भी कहा, उन्होंने ठीक भी किया। तो उन्होंने किसी और को नहीं दिया। फिर जब महाराज जी से मिलने के लिए उनको अंदर बुलाया गया, तो गुरुदेव को उन्होंने वो माला पहनाई, वो प्रसाद दिया राधा रानी का, राधा रानी के आदेश पे, ये मेरी प्रिय, मेरी सखी या मेरी प्रिय सेविका, वहां पे उनको दे के आओ। तो ये एकदम प्रमाण है कि गुरुदेव किस तरह से रमण मंजरी में के रूप में सेवा करते हैं, साक्षात प्रमाण। राधा रानी ने गुरुदेव को प्रकट किया, ऐसा कह सकते हैं हम, राधा रानी ने गुरुदेव को प्रकाशित किया कि वो मंजरी, मंजरी स्वरूप उनका प्रकाशित किया। और फिर वो हम कोशिश करेंगे कि उस उन सेवा कुंज के जो पंडे हैं, जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, उनको भी हम बुलाएं अपने प्रोग्राम पे एक बार, और उनसे फिर से एक बार हम श्रवण करें किस तरह से वो सारा हुआ था। तो जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे उनको यहाँ इस कार्यक्रम पे बुलाएं। अच्छी बात है। और उसके बाद आपने बताया पुजारी को उन्होंने डोनेशन देने चाहिए, पुजारी ने डोनेशन ली नहीं। आप देखो ये वृंदावन के पुजारी जो हैं डोनेशन के लिए कितने, मतलब छोड़ते नहीं है डोनेशन कहीं भी मिले। लेकिन राधा रानी को जो स्वप्न आया, आदेश आया उनको, तो जब जिसको राधा रानी का स्वप्न में दर्शन हो गया वो कहाँ डोनेशन लेगा, उन्होंने लिया नहीं डोनेशन। लेकिन आप डोनेशन से मुझे जरूरत नहीं, मैं महाराज जी से मिल गया, मेरे ऊपर कृपा हो गई है, ज्यादा हमें मिल गया है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा हमें ज्यादा डोनेशन मिल गया, कभी मिलेगा नहीं। हाँ, और फिर उसने ये भी कहा था कि महाराज ने बैठ के बहुत देर तक ब्रजवासियों के बारे में बताया उनको, उनकी चर्चा हुई, उन्होंने ही बताया और महाराज ने ही बताया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, आनंदित हुआ। और उन्हें बोला कि आके महाराज जी सचमुच ब्रजवासी हैं और ब्रज ब्रज के महिमा को जानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा सेवा कुंज के जो पुजारी थे। एक्चुअली उनका जो कोलकाता का टॉपिक है ब्रज के बारे में, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, दाखल वालो, ब्रज ये सब है ना। तो हमारे जो एकता जो इंस्ट्रक्शन में जो सात नंबर श्लोक है ना, तन्नाम रूप चरिता दिशु कृत नानो स्मित क्रमेण रचना मनुष्य निजज्ञ कृष्ण ब्रजे तत् अनुरागी जनानुगामी कालम नयदम अखिलम इति उपदेश सारम। ये जो श्लोक है पूरा गुरु जी को ऊपर ही बढ़ता ही जाएगा। गुरु जी एक ब्रजवासी है, 56 साल तक थे, 56 साल तक मथुरा में। अब देखो कितनी, कोई हम लोग भी इतने साल तक नहीं है, नहीं सर, सोचना बड़ा मुश्किल है। सोचने की बात नहीं, मथुरा की बात है। मथुरा मठ इतना छोटा सा मठ है और खारा पानी एकदम वहाँ पे, मतलब हम लोग तो दो दिन रहे तो आसान नहीं वहाँ पे रहना, जो लोग गए उनको पता है। और जब हम पहले भी जाते थे तो वहाँ पे मतलब बाल एकदम हार्ड जाते थे, अगर साबुन लगा लिया तो फिर निकलता नहीं था, नमक वाला पानी है। और उसमें तो मठ के नीचे बहुत ही मतलब इतना एकदम हम्बल था, ऊपर वाला फ्लोर भी नहीं था, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होता था उसमें, तो इतना आसान। लेकिन महाराज जी उसमें 50 साल से भी ज्यादा वहाँ पे एक ही स्थान पे रह के भजन किया उन्होंने इतना। और फिर आपने बताया कि किस तरह से महाराज जी अपनी जो लीला को संवरण किया इस थरा धाम पे, तो उसके लिए पूरी पहुंचे जो विप्रलंब का स्थान है, और हम सबको उस विप्रलंब में छोड़ गए, हमारे सबके अंदर वो विरह छोड़ गए उस पूरी स्थान में। और सुबह सुबह पूज्य पाठ भक्ति वेदांत वामन महाराज जी के आविर्भाव तिथि में 3:30 बजे मंगल आरती में जब हम गा रहे हैं संसार दावानल और निशांत लीला के बारे में गा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने प्रवेश किया उस समय, जब कोई किसी को आशंका भी नहीं थी, सब भूल चुके थे कि महाराज जी ने कहा था कि अपने गुरु भाई की तिथि में जाएंगे। पहले तो सबको याद था कार्तिक में, लेकिन उस समय किसी को कोई भी, सब भूल चुके थे। तो महाराज ने उस समय ये जैसा कहा था वैसा ही किया अपने गुरु भाई की तिथि में। सबसे पहले भी पूज्य पाद भक्तिवंत वामन महाराज जी ने उनको गुरुदेव के चरणों में लेके गए, लालटेन लेके आए थे स्टेशन के ऊपर, और लास्ट में भी वो लेने आए उनको भगवान के लोक में ले जाने के लिए, लालटेन लेके आए कि क्या हमें नहीं पता, लेकिन लेने आए जरूर, और उनको नित्य लीला में लेके गए। और आपने कहा कि गुरुदेव की इच्छा थी गोवर्धन में उनका समाधि हो, तो ये जहाँ पे नवदीप धाम है कोलदीप, वो अभिन्न गोवर्धन है। महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, तो एक तरह से उनकी समाधि गोवर्धन में भी है और नवदीप में भी है।
हमारे गुरु जी कहते थे हम जो गौड़ी संप्रदाय में आए हैं इसमें डबल फायदा है, हम जब नवदीप में भजन करेंगे और उस ऑटोमेटिकली हमारा ब्रज में ही भजन हो जाएगा, और जब हमारी स्वरूप सिद्धि होगी, वस्तु सिद्धि स्वरूप सिद्धि, तो दो रूप में हम लोग प्रवेश करेंगे, एक में नवदीप में जाएंगे, एक में कहते हैं हम लोग भगवान की लीला में जाएंगे, तो डबल फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू है, दो दो चीजें मिलेंगी जो साधारण लोगों को नहीं होता, जो इस संप्रदाय में आते हैं वैष्णव के अंतर में उनको ही ऐसा प्राप्त होता है। तो महाराज जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो 3 साल का जो विवरण लिखा हुआ था, इससे पता चलता है आपकी गुरु निष्ठा कितनी है, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन रह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सारा आपने नोट करके रखा है, ये गुरु जी का देन है, मेरा कोई क्वालिफिकेशन ऐसा मुझे लगता है किसी ने भी नहीं किया ऐसा जो आपने किया, हालांकि आपको गुरुदेव के साथ ज्यादा समय नहीं मिला, 3 साल ही आपने बताया गुरुदेव के साथ आप रहे। मैं तो नया हूँ ना, अब तो नया कैसे, नहीं महाराज नए नहीं होगा, 3 साल में आपने उसको एक एक क्षण को नोट कर रखा है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं, मतलब कोई कोई रहे कहने को 20 साल भी रह ले लेकिन ध्यान ना दे तो फिर वो 20 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन कोई 3 साल ही रहे और सब कुछ को ध्यान से लिख ले और गुरुदेव के प्रति इतना आसक्त हो और इतना उनके प्रति समर्पित हो कि गुरुदेव एक एक डेट से कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब आपने नोट करके रखा है, ये बड़ा ही अद्भुत और अच्छा लगा मुझे आपकी गुरु निष्ठा को देख के। हम आपको धन्यवाद प्रणाम करते हैं महाराज जी, धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं, मेरे को मौका दिया गुरु जी की कृपा कीर्तन करने के लिए, आपको जो भी धन्यवाद। आपको बता दूं महाराज जी बहुत ही सरल है, कई बार हमारे घर पे आ चुके हैं, जयपुर में हमारे पिताजी के साथ भी रह चुके हैं, आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो सोचा वो हमारे दादाजी भी है, वो इतना सेफ सफेद बाल है, इतना प्यार से बुलाते हैं, जयपुर में किया था आपका बहन भिन सब थे, तो मुझे अच्छा लगा वो प्रेम, मेरे को फिर जयपुर जाने की इच्छा है, और आइए महाराज जी हाथों से खाना खाने की इच्छा भी अभी हो रही है, ये हो गया, अच्छा लगता है ना, ये प्रेम है, ये चीज क्या दिया क्या नहीं है, लेकिन ये जो संबंध है ना, ये प्रेम के संबंध है, इसमें खाना पीना जैसे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रकार से 3-4 घंटा रहना आना जाना सेवा की भावना, वही सबसे बड़ा चीज है महाराज जी, बहुत 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 सरल है और बड़े सिंपल है, जैसे सन्यासी होते हैं उस तरह से एकदम साधारण तरीके से रहते हैं, और महाराज जी की जैसे गुरु निष्ठा है वैसे हमारे भी कभी हो, किस तरह से गुरुदेव को सिर्फ 3 साल में इन्होंने पूरे डिटेल में नोट बना के क्या क्या उन्होंने किया उसको ग्रहण किया है, हम भी वैसा ही कर पाए गुरुदेव के लिए, वैसी हमारी निष्ठा बने, उनकी सेवा उनके चरणों में हमारी आसक्ति हो, ऐसे हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद प्रणाम करते हैं, धन्यवाद प्रणाम, मेरे को आशीर्वाद कीजिए, कोई धन्यवाद महाराज जी, अरे होली कथा में क्षमा कर दीजिए, फिर आगे प्रसार करने के लिए मेरी इच्छा है, आप सभी वैष्णव कृपा करें, आइए महाराज जी आपका स्वागत है, आप दिल्ली आइए, गुड़गांव आइए, जयपुर आइए, हर जगह आपका स्वागत, ठीक है मैं आपसे कांटेक्ट करके जाऊंगा, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, आप सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद प्रणाम और धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कल हम लोग हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वैष्णव महाराज जी वृंदावन से हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छा। जो पहले पतित पावन प्रभु थे अपने पूर्व आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में, बहुत पुराने हैं, 80s में आए हुए महाराज जी 87 या से, तो आप सब कल मिस मत करिएगा, उनके बाद बहुत कुछ चीजें कहने सुनने को हैं, गुरुदेव के बहुत लंबा संग किया उन्होंने, और कल वो हमारे साथ होंगे 8:00 PM, आप सब बने रहिए इसी तरह से श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में अपने जीवन को यापन करें, ये साल 100 साल महाराज जी का हुआ है, महाराज जी परम दयालु हैं इस साल और हमारे ऊपर कृपा वर्षण कर रहे हैं, जैसे हमको स्मरण करते हैं वो हमारे पे हाथ करके कृपा करते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आप सब से कल शाम को मुलाकात होगी, श्री गुरु महाराज की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, धन्यवाद महाराज, थैंक यू सो